मेरी माँ मेरे पिता से कहीं अधिक कमा रही थी अपनी रॉयल्टीज से लेकिन इस बात की उन्होंने कभी चर्चा नहीं की नहीं इसे किया शो ऑफ किया लेकिन महिला वृंद की आंखों में वो हमेशा आजन्म किरकिरी बनी रही okay. मेरी नानी अद्भुत क़िस्सा गो थी बल्कि मैं अक्सर दीदी से कहती थी कि अगर अम्मा लिखती तो शायद तुझसे भी बड़ी लेखिका बनती मुंह में हाथ रख कर के ही, ही ही करके लड़कियां हंसती थीं या एक दूसरे को कोहनी मार के देखो देखो खुल के कहो यार तुम्हारे मन में क्या है अगर तुमको कोई लड़का अच्छा लग रहा है तो कहो देखो वो कितना सुंदर है सुंदरता का एप्रिसिएशन क्या इतना कठिन है स्त्री का जो देवी रूप है जिसमें कि शी रिफ्यूजेज टू बी अ मदर वो बहुत उग्र रूप है मुझको नामवर जी कहीं पर मिले और मुझसे बोले मृणाली क्या तुमने क्यों होने दिया तुम संपादक थी तुम सीधे सीधे हिंदुस्तान में आ गई तुमने साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए संघर्ष नहीं किया तो मैंने कहा नामवर जी संघर्ष आप लोगों का करना बनता था ये एक मार्क्सवाद के अंतिम जाते जाते समय का एक बहुत ही सतही किस्म का हिस्सा है जो पता नहीं क्यों छिपकली की दुम की तरह से गिर के रह गया है हिंदी साहित्य में मैंने खुद भी संगीत अच्छे अच्छे गुरुओं से आगरा घराने के ग्वालियर घराने के गुरुओं से करीब 25 साल तक विधिवत क्लासिकल म्यूज़िक की शिक्षा ली गांधर विद्यालय की शास्त्रीय परीक्षाएँ पास की अपनी आत्मकथा तो कोई लेखक ईमानदारी से लिख नहीं सकता है क्योंकि हम ही भोक्ता हम ही दृष्टा हमें लेखक ये संभव नहीं है मुझमें सारी क्षमता तो नहीं है कमजोरियां हैं लेकिन जितना मैं समझती हूँ जो सच है उसको मैं लिखती हूँ और लिखना चाहती हूँ मैंने कितनी नौकरियाँ छोड़ी मैं आपको गिना नहीं सकती हूँ तीन बार मैंने तीन यूनिवर्सिटी से त्यागपत्र दिया हम लोगों ने दोनों ने कभी भी अपना वर्क लाइफ एक दूसरे से शेयर नहीं किए मैंने कभी उनसे नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं नमस्कार स्वागत है आपका संगत में मेरा नाम है अंजुम शर्मा संगत में आज हमारे साथ जो शख्सियत संगत के लिए मौजूद हैं उनका परिचय देना मेरे लिए बहुत आसान है नहीं बहुत आसान इसलिए नहीं है क्योंकि उनके परिचय के कई आधार हैं एक समय पर वो दूरदर्शन की स्टार न्यूज़ एंकर रही हैं फिर उसके बाद ओबामा और साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाओं की संपादक दैनिक हिंदुस्तान कादम्बिनी और नंदन की प्रधान संपादक संपादकीय लिखे तो ऐसे कि उसकी हेडिंग्स चर्चा का विषय बनी प्रसार भारती की अध्यक्ष रहीं और एक सजग और गहरी रचनाकार हैं उपन्यासकार हैं नाटककार हैं, कहानीकार हैं और अभी उन्होंने लिखी बच्चों को न सुनाए जाने लायक कथाएं मृणाल पांडे बहुत बहुत स्वागत है मृणाल जी धन्यवाद मुझे लगा जितना छोटा रखूंगा अच्छा किया। उतना मेरे लिए बोलना आसान रहेगा <laughs> वरना मैं अटक जाऊंगा इतना काम है आपका चलिए इतना सारा काम आपने किया है और अब तो रिटायर हो चुकी हैं जी फिलहाल क्या कर रही हैं लिख रही है। अच्छा। लिखना बंद नहीं होता है अब तो जैसे बतख है उसकी पंख झड़ भी जाए तब भी पानी में तो उतरती है क्या बात है तो लिखना बंद नहीं होता है और चारों तरफ जो घट रहा है उस पर कई बार प्रतिक्रिया देने का मन होता है तो कभी सोशल मीडिया की मार्फ़त कभी एक अंग्रेजी में साप्ताहिकता लिखती हूँ दवायर के लिए उसकी मार्फत चलता रहता है और कुछ मन बना रही हूँ कभी तोड़ रही हूँ अपने जिये समय पर लिखने के लिए अपनी आत्मकथा तो कोई लेखक ईमानदारी से लिख नहीं सकता है क्योंकि हम ही भोक्ता हम ही दृष्टा हम ही लेखक ये संभव नहीं है कहीं ना कहीं हम सच्चाई को संजोने लगते हैं जो पूरा सच सामने नहीं लाते। तो इसलिए मुझे लगा कि बेहतर हो कि इतना सा लंबा जीवन जो मैंने जिया है इसमें मैंने समय के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं बतौर एक महिला बतौर एक लेखक बतौर एक पत्रकार शायद उनको लिपिबद्ध किया जाए तो उस समय का कम से कम एक स्त्री की दृष्टि से आकलन सामने आ सके लेकिन क्यों क्यों स्त्री की दृष्टि से ही स्त्री की दृष्टि से इसलिए क्योंकि देखिए चांद के भी दो फेजेज हैं एक जो हम देखते हैं एक जो हमको नहीं दिखाई देता है तो वैसे तो हम लोग सब लिखती रही हैं स्त्रियां लिखती रही हैं बहुत सारा लेकिन समग्र आकलन एक युग का एक आत्मनिर्वसन में बैठ कर के लिखना लगभग वही जो मतलब उद्धत काम कर रही हूँ मैं वेद व्यास ने किया था कि अपने को द्वीप में निर्वासित करके एकदम से तटस्थ होकर अपने ही कुल के बारे में लिखा और जो लिखा उसमें सत्य को और मनुष्य के सत्य को तरजीह दी तो जब वो बन पड़ेगा उसका मुहावरा पकड़ में आ जाएगा तब तो फटाफट लिख जाएगा ठीक बात फिलहाल अभी सोच रही हूँ आपने इस बीच एक बात कही कि कोई भी लेखक अपनी आत्मकथा ईमानदारी से नहीं लिख सकता है। जी जब आप ये कह रही हैं तो उन तमाम आत्मकथाकारों पर एक तरीके से सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई उन्होंने अपनी आत्मकथाएँ ईमानदारी से नहीं लिखी होंगी नहीं ऐसा नहीं है मैं शायद थोड़ी सी बात समझानी पड़ेगी कि अपनी तई लेखक ईमानदारी से लिखता है लेकिन कई बार ये होता है कि अपने बारे में घटा हुआ जो सच है उसको हम अपनी दृष्टि से तो देखते हैं लेकिन दूसरों की दृष्टि से नहीं देख सकते हैं एक दो बार मेरी माँ के साथ मैंने ये होते हुए देखा उन्होंने कुछ लिखा और परिवार के कुछ लोगों ने बहुत नाराज़गी ज़ाहिर की कि तुमने मेरे बारे में ये लिख दिया तो उनमें से एक ने कहा सिर्फ इसलिए कि तुम लिख सकती हो तुम लिख देती हो पर वही चीज़ें हमने भी तो देखी हैं लेकिन हम लिख नहीं सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि बस तुम्हारी चलेगी तो तब मुझ तब से मेरे मन में ये बात आई कि मेरी माँ बहुत सच बोलती थी मैंने उनको कभी झूठ बोलते नहीं देखा और बहुत ब्लंट थी मेरी ही तरह से लेकिन उन्होंने जो लिखा वो बात सही थी कि वो एक गहरी दृष्टि का देखा सच था तो इसलिए मुझे लगा कि एक लेखक आत्म कथा तक आत्मकथा जब लिखता है तो उपनिषदों में एक पक्षी है ना जिसके दो सिर हैं हाँ। एक सिर दृष्टा है एक सर भोगता है।, है तो लेखक भी वैसा ही एक पक्षी है जो दुचित्ता होता है तो अगर दोनों ही पक्ष दृष्टा बन जाएंगे तो भोक्ता कौन रहेगा ठीक बात तो इसलिए मुझे लगा कि आत्मकथा जैसे कुछ आत्मकथाएं बहुत ही बढ़िया हैं जिन्हें मैं कहूँ बच्चन जी की आत्मकथा मैं कहूँगी बहुत पठ बहुत सरस है लेकिन वो बच्चन जी द्वारा लिखित बच्चन जी की आत्मकथा है इसी तरह से और भी बहुत सारी आत्मकथाएं मैंने पढ़ी हैं और मैं ये नहीं सोचती हूँ कि लेखक ने अपनी तई झूठ बोला है लेकिन उनमें से कुछ लेखकों को मैं जानती थी और मुझे उनके कुछ निकट सही से, से मित्रों से बात करने का मौका मिला तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो उनकी आत्मकथा में गैर हाजिर थीं ठीक है तो ये जानबूझ के नहीं किया होगा लेकिन होता है कई बार ये कि आप लिखते लिखते आपको आदत पड़ जाती है कि आप सत्य को उठाते हैं फिर उसको तराश करके आप लेखन बनाते हैं तो उस तराशन में बहुत सारी छीलन निकल जाती है तो जब आपने कुछ अपने आत्मकथात्मक अंश लिखे कहीं कहीं पर कुछ पत्रिकाओं में कहीं कहीं पर और इवन आपकी डॉटर्स डॉटर दौर्टर करके जो एक रचना है जे, उसमें आप और आपकी बहन मीनू उनकी कहानी एक तरीके से है बचपन की तो क्या आपने भी वो जो तराशे हुए वो छीले हुए अंश थे वो बहुत संभव है बहुत संभव है क्योंकि मैंने अपनी दृष्टि से लिखा था टीनू की दृष्टि से नहीं लिखा था अच्छा टीनू हाँ तो इसलिए ये है कि जो लिखा है वो मैंने लिखा है तो महाभारत में एक जगह पूछते हैं वेद व्यास से गणेश जी कि आपने जो इतना महान ग्रंथ लिखा है इसे कौन समझ सकता है क्या आप ही पूरा समझ सकते हैं तो उन्होंने सोच करके कहा अहम वेद शुको वेद्ती संजयो वेद्ती वानवा। मैं समझ सकता हूँ सुखदेव मुनि समझ सकते हैं जो संसार छोड़ के जंगल में चले गए बोले वो बोलेंगे नहीं और संजय जो मेन रिपोर्टर है हमारा प्रतिनिधि जो पूरी महाभारत की रिपोर्टिंग कर रहा है वो समझता है कि नहीं मैं नहीं जानता मैंने पूरी महाभारत कह गए उनको पता नहीं चला कि वो किस बात पर बात कर रहे हैं कभी आपने सोचा कि उसका किताब का नाम था मूल नाम था जय जय नाम ही अपने आप में एक ध्वनि लिए हुए है ठीक भारी भारी भरकम जय लेकिन उसकी जैसी विडंबना hmm. और शायद ही कहीं देखी हुई जो जो जीता वो सिकंदर नहीं बना जो जीता वो हिमालय को चला गया और अपना hmm. अंग उसने गला दिया प्रायश्चित में पश्चाताप में तो इसीलिए अंतिम पर्व का नाम है शांति पर्व when एवरी थिंग डाइज ऑफ everything achieves अचीव्स द क्या कहा जाए वर्ल्ड डस्ट काम hmm. तो इसलिए जीवन की बहुत सारी ऐसी विडंबनाएं हैं जो um, निकल आती हैं साहित्य में और एक उम्र में आती हैं समझ एक उम्र में नहीं आती हैं हैं पौराणिक कथाएं इतनी प्रिय क्यों क्यों इसीलिए मैं मैं, मेरी सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि आपका उपन्यासों को भी देखिए वो सर्ग में बटे हुए हैं जी जी तो अगर मैं उपन्यासों को भी ले लूं या फिर आपके नाटकों को ले लूं या आपकी बातचीत में बार बार राम भी बार बार आते रहे राम रचि राखा है ना जी जी तो ये कितना ज्यादा प्रिय क्यों है ये सब चीजें देखिए ऐसा है कि ये एक मेरे जीवन के साथ ये एक जैविक रूप से ये सारी चीज़ें गुथी हुई है। हैं बचपन में हम लोग एक जो सामान्य उस जमाने के ब्राह्मण पहाड़ी परिवार होते थे उसमें हमारी परवरिश हुई और जिस तरह ट्रेडिशनल परवरिश होती थी खासकर लड़कियों की वो हुई हालांकि उसमें भी मैंने काफ़ी जगह गड़बड़ की लेकिन हुई तो परवरिश और वो मन में रह जाता है तो ये कहानियाँ सब सुनते सुनते हम बड़े हुए फिर महाभारत पढ़ा और पौराणिक कथाएँ उपाख्यान सुने पढ़े तो मुझे कहीं कहीं पर यह लगने लगा कि कथा तत्व जो है वो रह जाता है और सब गायब हो जाए आप कितना ही रंग रोगन लगा लीजिए कितना ही वो सब कर लीजिए पर मूल चीज़ जो पाठक के मन में जमी रहती है वो कथा तत्व और पात्र दो चीज़ें हैं और ये चीज़ हमारे जो जो हमारा जो जैविक आधार है कथाओं का उसमें है अच्छा उनके भी प्रकार गिनाए गए हैं कथा मने जो क्या कहा जा रहा है उपाख्यान बने जो दूसरा व्यक्ति उसको कह रहा है एक किसी ने कहा फिर दूसरे ने कहा अब उसमें जिसने कहा उसने अपनी तरफ से कुछ नमक मिर्च जोड़ दिया तो एक कथा हो गई एक उपाख्यान हो गया तो इसलिए कहानियों के कई प्रकार हमारे यहाँ हैं ऑलरेडी तो मुझे लगा कि हम लोग कई बार जो अंग्रेजी में कहते हैं री इन्वेंटिंग द व्हील दोबारा से हम चक्के का आविष्कार करने बैठ गए हैं जबकि चक्का हमारे आँख के सामने मौजूद है तो इसलिए मुझे लगा कि जो हमको हमारे सामने मौजूद है जिसके बारे में हमको बुनियादी जानकारी है और जिसके बिंब हमारे मन में गढ़े हुए हैं और जिसके बिंब अब जैसे अक्सर घर में कहा जाता है ना कि अरे ये ताऊ जी से मत उलझना न तो दुर्वासा के अवतार हैं तो बिना कहे बच्चों को पता चल जाता है कि दुर्वासा नाम के एक बहुत ही डरावने मुनि थे हाँ। या उनके घर में तो द्रौपदी का जैसा पात्र है कितने ही लोग आ जाएं खाना कम नहीं पड़ता है हमारे एक वो थे पुराने पुरोहित जी थे तो जब किसी की शादी हुई तो वो गए बारात में जब लौट के आए तो नानी ने पूछा कि भाई कैसा था घर पर तो वो बोले कि सर्वत्र सर्वत्री तब मुझे इसका उत्तर नहीं मिला था उसके बहुत साल के बाद मैंने जब एक किताब में कहीं पर पढ़ा कि पहले से हलों की संख्या से आदमी की समृद्धि का अंदाज़ लगाया कि किसानी सभ्यता थी हाँ। तो दस हल राव आठ हल राणा दो चार हले का भला किसाना दुई हल केरी खेती बारी एक हरे भली कुदारी मतलब जिसके पास दस हल, हल हैं वो तो राव है जिसके पास आठ हल हैं वो राणा है जिसके पास आठ हैं आठ से थोड़े कम हैं चार हैं वो अच्छी भली खाती पीती गृहस्थी है ही हल केरी खेती बाड़ी दो हल हैं तो चलो खेती बाड़ी चल, जाती, चल है। जाती है एक हल है तो भरी कुदारी अगर एक हल है तो किसी काम का नहीं उसे तो कुदाल से खेत खोदो तो ये पुरानी चीज़ है ये इस संस्कृत प्रभाव से निकली है सर्वत्र सर्वत्र षड मतलब खाते पीते किसान के घर है तो उसके बहुत दिन के बाद हमारा एक चौकीदार था वो वापस आया कहीं से तो बोला कि मैंने उससे कहा कैसा रहा तुम्हारा किसी की शादी में गया था और अरे बहू जी सर्वत्र खड्डला <laughs> <laughs> तो मुझे लगा कि ये ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ विद्या जैसे आजकल अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं ब्राह्मण केंद्रित थी थी कुछ मायनों में शायद उसका जो बहुत थी विशिष्ट, विशिष्ट हिस्सा था वो था लेकिन उसका जो सुगंध औरतों की मार्फिक मार्फत फैली क्योंकि महिलाएं ब्याह के घर घर जाती हैं और अपने साथ वही सब कहानियाँ क़िस्से और ये सब जिज्ञासाएँ और जानकारियाँ ले जाती हैं कादंबरी में वर्णन है कि तोते के पास खड़ी होकर महिला सुनती है वेद पाठ तो उसको वेद कंठस्थ तो हो जाते हैं तो औरतों के ज्ञान को और औरतों के फिर ज्ञान को पचा करके उसको उगलने के वाले उगले हुए स्वरूप को हम लोगों को कहीं ना कहीं पर पहचानना होता है और वो रूप मुझे लोक कथाओं में मिलता है क्योंकि लोक कथाएं देखिए यूजुअली बाँचती हैं घर की बूढ़ी औरतें युवा औरतों के पास तो मरने की फुर्सत नहीं होती है दूसरे फिर बच्चे दिख हैं तो चार लगा देती हैं लेकिन बूढ़ी दादी नानियों के पास फुर्सत होती है रजाई भी होती है तो सब घुस करके उसमें हम लोगों ने तो बहुत अपने बचपन में इस तरह से कहानियाँ सुनी है कौन कौन सी लोक कथाएँ या फिर ऐसी कोई कहानियाँ जो आपने अपनी माँ या नानी से सुनी हो क्योंकि आप काफ़ी नज़दीक थी उनके हाँ। आ, तो मेरी नानी अद्भुत क़स्सा गो थी बल्कि मैं अक्सर दीदी से कहती थी कि अगर अम्मा लिखती तो शायद तुझसे भी बड़ी लेखिका बनती दीदी मैं बता दूँ अपनी माँ, माँ को, को दिद्दी जी को ये दीदी कहा करती थी तो जैसे एक स्त्री के मन में एक पीड़ा होती है जो कहीं साहित्य में दर्ज नहीं होती है खासकर पुरुष तो बिल्कुल दर्ज नहीं करते हैं वो ये कि जब एक विधवा माँ अपने बेटे के साथ रहने रहती है तो उसके सिर पर छत्र छाया है तो समाज में तो बड़ा सर ऊंचा करके चलती है कि मेरा बेटा देखो मेरे भरता के बाद मेरा बेटा मेरी देखभाल कर रहा है बहुआ मेरी सेवा कर रही हैं लेकिन वास्तविकता ये होती है कि बड़ी गहरी कचोट होती है अब रातों रात सर्वे सर्वा से यू बिकम अ क्वीन मदर फ्रॉम अ क्वीन टू अ क्वीन मदर बहुत बड़ा सफर होता है और उसमें फिर ये है कि आप पूर्णतया दिन भर की देखभाल सबके लिए बहुओं पर निर्भर है अब बहुएँ आपसे कैसा व्यवहार कर रही हैं ये सिर्फ आप जानती हैं या बहुएँ जानती हैं संजयो वानवा हस्बैंड तो शाम को आते हैं क्यों माँ कैसी हो ठीक हूँ बेटा बिल्कुल ठीक हूँ इसने तुमको खाना वाना ठीक से दिया हाँ बेटा बहुत बढ़िया खाना बना था समझदार माएँ यही कहेंगे अदरवाइज दे गेट इट इन द हेड तो ये जो चीज़ें हैं ये हंसाती भी हैं रुलाती भी हैं और एक प्रकार की संवेदनशीलता दिखाती हैं कि जो कमज़ोर है या पराश्रयी है उस व्यक्ति की वेदना साहित्य में व्यक्त की जाए वो असली साहित्य है इसे तुलसीदास ने कहा है ना पराधीन सपनू सुख ना ही जो दूसरे के टुकड़े खाता है उसको सपने में भी सुख नहीं है तो इसलिए बहुत छोटी उम्र में मैंने तय कर लिया था कि मैं चाहे मर जाऊँ मैं कभी किसी के ऊपर आश्रित नहीं होंगी न शक्ति के रूप में और न पैसे के लिए हमेशा मैंने स्कॉलरशिप से पढ़ाई की मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ा क्योंकि मुझे आसानी से मेरिट स्कॉलरशिप मिल गई मैंने सुना मैं टाउ बीच में मैंने सुना आप आ, हिंदी माध्यम में पढ़ती थी जी। और आपसे जो छोटे आपके भाई बहन थे वो अंग्रेजी माध्यम में हाँ, पढ़ते थे उनको होमवर्क में कराती थी क्योंकि मेरी माँ बहुत सारे कामों में घर के व्यस्त रहती थी फिर उनका अपना लिखना पढ़ना भी होता था तो ये मान लिया जाता था कि भाई ये पढ़ने वढ़ने में अच्छी है तो चलो अंग्रेजी भी इसको आती होगी तो एक तरफ में संस्कृत के रूप रटती थी फिर उन लोगों को सिंग सिंह 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 मदर सिंह कैन मदर सिंह मदर कैन सिंह वो जो उनकी <laughs> किताबें थीं अंग्रेजी वाली बचपन की वो वो पढ़ाया करती थी तो अच्छा ही है जितना आप पढ़ें उतना आपका वर्धन होता है लेकिन ये जो स्त्रियों की पराश्रयी वृत्ति है उसकी साफ़ झंकार हमारी कहानियों में आप देखिए कितनी कहानियाँ हैं जिसमें एक माँ बहुत गरीब है वो बेटे से कहती है अकाल पढ़ा है सब मर रहे हैं तू निकल जा मैं अपना कर लूँगी किसी तरह से और फिर जितना घर में बचा है गुड़ और आटा उससे साथ पुए बना के उसको देती है और कहती है तू खा ले और कहीं बड़े शहर जा नौकरी कर ले ये कहानी बिहार से लेकर के और उत्तराखंड तक सब जगह आपको सुनने को मिल जाएगी फिर वो बेटा की जगत पर बैठ करके करता है फिर कोई परिया आती है कोई दैत्य आते हैं वो सब एम्बेलिशमेंट्स हैं मृणाल जी आप तो बाकायदा एक ऐसी आ, एक वेल ऑफ फैमिली में आप पली बढ़ी हैं आपके मामा जी ओरछा स्टेट के आ, राजा उनके होम मिनिस्टर थे आपका जन्म टीकमगढ़ में हो रहा है माँ काफ़ी आपकी पढ़ी लिखी थी पिताजी आपके बाकायदा अध्यापक थे ये जो पराश्रयी वाला जो तत्व है ये क्या घर में आपने कहाँ देखा ये घर में मैंने देखा सब हर जगह देखा मेरी नानी हालांकि मेरे मामा बहुत संपन्न थे उनकी पत्नी भी बहुत उदार हृदय और आ, आ, कहा जाए मेहमान वत्सल हुआ करती थी लेकिन नानी में ये भावना थी कि बहु नाराज ना हो जाए तो वो बढ़ा चढ़ा करके अपनी बेटियों को हमेशा रन डाउन करती थी और अपनी बेटियों की बेटियों को तो और भी अधिक डाउन करती थी और बेटे के बच्चों को हमेशा जो बहुत ओदों ओधों करना जिसे कहा जाता है उनकी प्रशंसा करती थी और मुझे ये खलता था क्योंकि एक स्वाभाविक न्यायपरकता मेरे जन्म से मेरे भीतर थी जो शायद नुकसान करती है उतना न्यायपरक भी नहीं होना चाहिए मुझे हमेशा लगता था कि हम मामा के घर आ तो रहे हैं रह रहे हैं लेकिन ये घर हमारा नहीं है और बच्चे तो बड़े क्रूअल होते हैं बातों बातों में स्पष्ट कर देते हैं, हमारा घर है ये मेरी गुड़िया है ये गुड़िया मेरे बाबू ने तुमको ला करके दी है तो फिर मेरा मन बिल्कुल विरक्त हो जाता था तो एक तरह का कहा जाए कि विरक्ति भाव मेरे मन में बचपन से घर घर गया इन सब चीज़ों को लेके कि अच्छे गहने कपड़ों से या अच्छे उससे क्या होता है अगर वो अनुग्रह के साथ दान में दिए जा रहे हों तो इसीलिए मैंने उम्र भर मेरे पास जो भी बहुत कुछ था बहुत कुछ नहीं भी था जो भी था मैंने सिवाय जो मुझे पसंद था जितना सिंपल तरीके से मैं निभा सकती थी वही मैंने पहना और पाया बाकी सब मैंने दोनों हाथों से बाँटा Hmm. क्योंकि मुझे ये लगता है कि अनुग्रह और दान ये आदमी को एक तरह से uh, कुंठित करती हैं मैं ये नहीं कहूँगी छोटा बनाती हैं लेकिन कहीं कुंठित करती हैं क्योंकि आपके एक मन का हिस्सा चिर ऋणी हो जाता है उस व्यक्ति का जो आपको दे रहा है तो इसलिए ये सही है कि बहुत कम लोग अकुंठ भाव से देते हैं hmm. लेकिन अधिकतर लोग जब देते हैं तो कहीं ना कहीं एक ही महीन वृत्ति झलक जाती है कि देखो हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं अपने माँ बाप भी कई बार जाने अनजाने कहते हैं कि इतना हमने तुम्हारे लिए किया तुम ऐसे ही थोड़े साथ हाथ के लंबे हो गए इतना पढ़ाया लिखाया तो भाई पैदा तो तुम्हें किया था हमने तो स्टाम्प पेपर पर लिख के दरख्वास्त नहीं दी थी कि हमको पैदा किया जाए तो इसलिए मुझे लगता है कि एक ये चीज़ है हमारे समाज की सभी समाजों में है ये मैं हम लोग अमेरिका भी कई वर्ष रहे वहाँ भी मैंने देखी और इसमें आप संपन्न परिवार से हों या विपन्न परिवार से हों उतना फ़र्क नहीं होता है मुख्य चीज़ संपन्न परिवारों में बल्कि कई बार ये होता है चूंकि गठरी का साइज़ बड़ा होता है इसलिए झगड़े भी बहुत बड़े होते हैं और बहुत अधिक कटु होते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में फिर ज़्यादा दाव पेंच और मुकदमेबाजी और वो सब भी भावना रहती है तो इसलिए मुझे लगा कि इस संसार में मैंने आप तटस्थ रह करके फिर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है और वो तटस्थता आपको एक इंटेलेक्चुअल द्वीप एक आंतरिक द्वीप देने की क्षमता बनाती है जिसमें बैठ करके आप वेद व्यास की तरह निर्द्वंद होकर लिख सकते हैं काले थे वेद व्यास मतलब वो हर चीज़ में हीरो के विपरीत थे जिन हीरोज़ के बारे में वो लिख रहे थे कृष्णद्वैपान व्यास उसके विपरीत थे काले रंग के थे दासी पुत्र के दासी के संयोग से पैदा हुए थे और अलग थलग रहते थे समाज से बिल्कुल कटे हुए रहते थे तब उन्होंने इतना विस्तृत और इतना तटस्थ निर्वेद भाव से मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने अगर आप बिल्कुल ही खुद ही वेदना में खुद ही लथपथ होकर के बिल्कुल गलत अश्रु छायावादियों की तरह हो जाएं वैसे नहीं उनमें जो निर्वेद भाव है वो मुझे बहुत आकर्षित करता है और ये निर्वेद भाव अपनी बेस्ट रचनाओं में तुलसीदास में भी है कीड़े मकोड़े की तरह मेरे ही माँ बाप मुझे छोड़ गए तो उससे उनको चाहते ना चाहते वो निर्वेद द्वीप मिला आप निर्वेद भाव के साथ लिख पाती हैं बिल्कुल हाँ, जिस वक्त मैं लिख रही हूँ उस वक्त तात महत्व बंद उभरा अपना ना कोई और फिर फिर मैं बिल्कुल स्पष्ट दृष्टि से जितना मुझे मुझ में क्षमता है वो मुझ में सारी क्षमता तो नहीं है कमजोरियां हैं लेकिन जितना मैं समझती हूँ जो सच है उसको मैं लिखती हूँ और लिखना चाहती हूँ ये पहली बार कब एहसास हुआ था कि मैं लिख सकती हूँ आ, लिख सकती हूँ ये तो मैं हमेशा ही जानती थी क्योंकि मैं आ, बोलने से ज़्यादा अपने को लिखकर अभिव्यक्त करती थी जैसे आ, मेरी दोनों बहनें बहुत वाचाल हैं और बहुत बहुत सुंदर और बहुत मज़ेदार बोलती हैं हमारे घर में शिवानी जी की ये शब्द क्षमता सबको मिली है और लतीफ़े सुनाना चुटकुले किस्से सुनाना तो बचपन में हम लोगों को जब कभी आ, अपने मित्रों के यहाँ जाने की परमिशन मिलती थी या कभी अपने माँ के साथ या अकेले रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे तो वो दोनों अपनी बातों से सबको इतना रिझा लेती थी तो मैं चुपचाप बैठ करके देखती रहती थी कि क्या क्या हो रहा है कि, कि, कि किस तरह से लोग इंजॉय और मुझे कतई ये नहीं लगता था कि मुझे बोलने की कोई ज़रूरत है अंतर्मुखी थी हाँ काफ़ी हद तक और बच्चों में बहुत लोकप्रिय नहीं थी मैं अपने हम वयस बच्चों में बहुत लोकप्रिय नहीं थी परिवार में क्योंकि उन सबको लगता था क्योंकि ये हर बार क्लास में बहुत वो आती है माँ बाप हमेशा कहते हैं कि उसको देखो सुखदेव जी की लड़की को देखो हिंदी मीडियम स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ रही है और ऐसे उसने यूपी में ये किया है ये फर्या नंबर है उसको मेरिट स्कॉलरशिप मिली है ये वो तो कुछ बच्चों में भी फिर उससे विद्रोह होता है तो इसलिए मेरी हमेशियों में कोई ऐसे मैं अपने हस्बैंड से अक्सर कहती हूँ कि मेरे सारे जो क्लोज़ मित्र थे सब लड़के थे क्योंकि लड़कों में मुझे एक तरह का मुँह फट मिलता था एक मेरा दोस्त था काणा मोहन वो उसका परिवार पार्टीशन के समय आया था और एक उसके यहाँ पर छर्रा लगा था तो बेचारे की एक आँख चली गई थी तो वो छर्रा उसके यहाँ लॉज रह गया था तो वो चाराना ले लेके हमको वो छल्रा छूने देता था <laughs> <laughs> अक्सर हमारे घर में जब सब्ज़ी पकने में देरी होती थी तो माँ पराठे रख देती थी और कहती थी चवन्नी के छोले खरीद के इसके साथ या चवन्नी का कुछ खरीद के खा ले तब चवन्नी में दोना भर के चने या मटर की सब्ज़ी या कुछ मिल जाता था तो मैं अक्सर अपनी चवन्नी खर्च करती थी मोहन के कनपट्टी के पीछे वो जो छर्रा था उसको छूने और मुझे अभी भी मेरी उंगलियों को याद है उस छर्रे का स्पर्श तो जब हमारा दूसरा दोस्त था मेरा अब्दुल्ला उसके बाप का एक वो था ना तंदूर चलाता था वो वो उसका ढाबा था और अब्दुल्ला की माँ वो थी बेमाता थी उसकी और बहुत बुरी तरह से उसको ट्रीट किया जाता था तो वो मुझे अपने सब सुख दुख सुनाता था तो हम लोग दोनों जने बैठ के मैंने उससे कहा कि मैं अपने भगवान से प्रार्थना करती हूँ तू तो अपने अल्लाह से दुआ कर कि वो जल्दी मर जाए <laughs> बच्चों का तो हम लोग करते थे कि उसको वो मर जाए फिर अब्दुल्ला कहता तुम तो ये भी कह दे भगवान जैसे कि उसको कीड़े पड़े कहते कि भगवान उसको कीड़े कीड़े पड़े <laughs> तो ये लज्जाजनक बातें हैं लेकिन बच्चे करते बच्चे, हैं लेकिन हाँ। ये फ्रैंकनेस और ये ओपननेस लड़कों में बहुत मुझे अच्छी लगती थी क्योंकि दुराव दूसरे ये जो कि वो जो मुंह में हाथ रख कर के ही 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 करके लड़कियां हंसती थी या एक दूसरे को कोहनी मार के देखो देखो खुल के कहो यार तुम्हारे मन में क्या है अगर तुमको कोई लड़का अच्छा लग रहा है तो कहो देखो वो कितना सुंदर है सुंदरता का एप्रिसिएशन क्या इतना कठिन है यूनिवर्सिटी में मेरे सब जितने भी करीबी दोस्त थे अधिकतर सब पुरुष थे और हम लोगों में बाकायदा एक दूसरे से छेड़छाड़ चलती थी कि अच्छा वो वाली है तुम्हारी अच्छा तुम्हारी ये वाली और हम सब अभी भी जब मिलते हैं तो हम उसी तरह से एक दूसरे से बात करते हैं तो मुझे लगता है कि स्त्रियों हमारे ज़माने में लड़कियों से उस प्रकार की मैत्री संभव नहीं थी जो कि आपको वैचारिक रूप से कुछ देती या उत्तेजित करती वो वैचारिक रूप से आपको उस भयंकर दमघोट ढांचे की ओर ले जाती थी जिसमें आपको पाला जा रहा था कि लड़कियों को मुस्कुराना चाहिए ज़ोर से हंसना नहीं चाहिए मेरी आदत थी मैं ठहागा लगा के हँसती थी मेरी बेटियाँ भी वैसे ही है। हंसती हैं तो नानी हमेशा कहती थी कि बहुत ज़्यादा मत हँसो तो मैंने कहा क्यों नहीं हँसो तो उन्होंने कहा देखो बहुत ज़्यादा हंसने वाली और दुखी होती हैं सीता जी ठहाके लगाती थी मैंने कहा तू गई थी देखने तो बोली नहीं नहीं, नहीं शास्त्रों में लिखा है हाँ। तो घरों में इस तरह की बातें होती हैं और उसका छोटी लड़कियों के मन पर बहुत असर होता है एक हमारी आंट थी उनके बाल बहुत लंबे थे तो जब वो बाल बनाती थी तो नानी हमेशा उनसे कहती थी अंदर जा कर के बनाओ बालों में यम का वास होता है और बाल खोलो तो घर में यम आता है तो ऐसी नेगेटिव बातें लड़कियों से और मुझे उस उम्र में भी लगता था कि ये ठीक नहीं है लेकिन मेरे पास तब ये भाषा नहीं थी जो मैं आज बकर, बकर बकर बोल रही हूँ ये भाषा नहीं थी और उन विचारों को शब्द देने की समझ भी नहीं थी बहुत बात को धीरे 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 एक्चुअल केसेस देख कर के मेरी समझ में आया कि हम लड़कियों को इतना कुंठित करके पालते हैं कि फिर वो कुंठित लोगों से ही दोस्ती कर पाती हैं वो अकुंठ भाव से न हँस सकती हैं न बोल सकती हैं न खेल सकती हैं न लंगड़ी मार सकती हैं तो फिर जीवन में रहा क्या जितनी बातें आपने बताई डाल जी शिवानी जी से कभी इस बात की आप चर्चा करती थी कि ये क्यों है इस तरीके का माहौल या फिर कभी उन्होंने आपको इस चीज़ के लिए टोका हो या आगे बढ़ाया हो ये मेरी माँ एक बहुत अद्भुत महिला थी आ, उनका जन्म बहुत राजसी परिवार में जैसा आपने कहा हुआ था और अपने पिता की बहुत लाड़ली थी और देखने में बहुत सुंदर थी मतलब हर हर चीज़ भगवान ने उनको मुक्त हस्त से दी थी फिर शांति निकेतन में पढ़ने का आपको हाँ। अवसर आप मिला उस ज़माने में जब लड़कियों को मिडिल पास होते ही घर भर ढूंढा जाने लगता था उन्होंने बीए किया और जब उन्होंने बीए किया उससे एक साल पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उनके जीवन में दो बहुत बड़े फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस थे एक टैगोर और एक उनके पिता मेरे नाना बहुत उदारवादी बहुत खुले ख्यालों के थे उस ज़माने में उन्होंने समुद्र पार जा कर के विलायत कई बार जाते आते रहते थे जाति बाहर होने का जोखिम उठाया फिर चंद्रायण वत वत करवाया गया उनसे वो सब दीगर बात है तो मेरी माँ बहुत और हॉस्टल में रही चूँकि तो इसलिए ही ही ठीठी वाली जो स्त्रियोचित शिक्षा लज्जा स्तूप बनने की उनको नहीं थी तो वो स्पष्ट बोलती थी बहुत सुंदर बोलती थी और गाती बहुत अच्छा थी डांस उन्होंने मणिपुरी सीखा था वहीं कला भवन में और लिखती तो खैर वो थी ही तो और उनकी बहुत इच्छा थी कि उनकी बेटियों को भी आए तो वो हमको गाने म्यूज़िक भी सिखाती थी बचपन से मैंने क्लासिकल म्यूज़िक के विरासत और संस्कारों से पाए एक ये हापुड़ से एक संगीत गर्ग साहब बहुत बढ़िया पत्रिका निकालते हैं सालों से कई दशकों से संगीत हमारे घर में नियमित रूप से आती थी चाहे हम कहीं भी पोस्ट बाबू कहीं भी पोस्टेड हों लेकिन मेरी माँ ने कभी भी घर से बाहर काम नहीं किया क्योंकि मेरे पिता को पसंद नहीं था लेकिन ये भी सच है कि बाय मिडल एज मेरी माँ मेरे पिता से कहीं अधिक कमा रही थी अपनी रॉयल्टीज से लेकिन इस बात की उन्होंने कभी चर्चा नहीं की नहीं इसे किया शो ऑफ किया लेकिन महिला वृंद की आंखों में वो हमेशा आजन्म किरकिरी बनी रही क्योंकि उनको देख कर के बहुत सारे लोगों को विशेषकर उनके अपने निकट संबंधियों की महिलाओं को ये एहसास होता था कि वो भी ऐसी हो सकती थी अगर थी। वो भी बाहर गई होती तो कई बार Uh, जब वो इस तरह की अटपटी बातें करती थी तो बात को मैं माँ से कहती थी कि तू क्यों जवाब नहीं देती hmm. तो दीदी ने कहा कि तू जब बड़ी होगी समझ जाएगी फिर एक बार मैंने उससे पूछा मैंने कहा कि जब तू हॉस्टल से आई तो तू क्या करना चाहती थी कहने की कि मैं एम करना चाहती थी आई कुड गिवन माई राइट आर्म टू डू एन एम तो मैंने कहा तूने किया क्यों नहीं तो उसने बहुत पैथेटिकली कहा क्योंकि मेरे पिता नहीं थे और मेरी माँ को सात लड़कियों की शादी करनी थी और मेरे भाई सबको सहारा दे रहे थे मैंने सोचा ईजा के ऊपर से जितनी जल्दी मेरा बोझ उतर जाए तो कहीं ना कहीं उनके मन में अपनी माँ के लिए और मेरी नानी उन्हीं के साथ अंति, अंतिम वर्षों में उन्हीं के साथ रही और उन्हें जितने कोमलता से उनकी सेवा की लेकिन आ, उनको हमेशा ये द्वैत उनके मन में रहा और मैं उसको टोकती रहती थी कि तू ऐसा कि तू ऐसा तो दीदी हमेशा मुझसे कहती थी बेटा मुझे तेरे लिए बहुत डर लगती है लड़कियों को इतना मुँह फट नहीं होना चाहिए तू भी ससुराल वाली है तुझको भी सहना पड़ेगा तो मैंने कहा मैं सह लूँगी मैं तो कछुआ हूँ मैं सह लूँगी लेकिन तू तु क्यों तुर्की बतुर्की जवाब नहीं देती तो दीदी कहने लगी नहीं चलाई है मैंने भी अपनी टीन की तलवार चलाई है लेकिन शीशद अंत में आकर के लगता है कि सब व्यर्थ है ये सब स्वभावगत विवशताएं हैं जो हर व्यक्ति जीता है और उसको तुम कुछ नहीं कर सकते हो तुम कुत्ते की धूम को चौदह बरस भी दबा के रखोगे वैसे ही रहेगी अच्छा सुना कि वो किसी भी हालात में लिख लिया करती थी मतलब शोर शराबे में चाहे कुछ भी एकांत की जरूरत ही नहीं थी वही उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने परिस्थितियों से समझौता कर लिया और उसके बाद फिर ये होता था कि वो जब हम लोग स्कूल चले जाते थे उस बीच में हमारी पुरानी रफ़ कॉपीज़ में से पन्ने लेके वो रफ़ ड्राफ्ट अपना बना लेती थी रात गए कब लिखती थी शायद ही हम लोगों ने कभी देखा हो बस वो एक लिफाफा मुझे दे देती दे थी रजिस्टर्ड लिफाफा कि धर्मवीर को डाल देना पता भी आधा लिखा होता था फिर मैं उसमें पूरा उनका धर्मवीर भारती, भारती जी का पता लिखती थी और कई बार वो कहती थी बड़ी घसीट में लिखा है ज़रा देख लेना स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियाँ ठीक करते ना मैं आठवीं नवीं कक्षा में थी मतलब उस ज़माने में लेकिन मैंने उससे कई बार कहा कि तू अपने लिए थोड़ा सा समय क्यों नहीं खोजती है तो शी शीशत कब खोजूं तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था तो जब वो मेरे पास रहने के लिए आई तो मैं उसको बहुत करती थी मैंने उसके कमरे में तरह तरह के लिखने के इम्प्लीमेंट्स उसका टेबल लैंप ये सब लगा करके रखा उसने कहा बेटा मुझे इसकी आदत नहीं है मुझे तो तू वही वाले एक रजिस्टर ला दे रजनी रजिस्टर ही उनका फेवरेट था वो ला में मैं उसमें लिख लिया करूँगी तो उनकी जो अंतिम रचना है सोने दे वो उसी पर लिखी गई है सुनोताती है अगत कहानी तो वो उसी पर लिखी गई है और वो कहती थी कि मुझे कोई फ़र्क क्योंकि जब मैं लिखती हूँ उस वक्त मेरे आसपास कुछ मैटर नहीं करता और इसके लिए उनको ताने बहुत सुनने पड़ते थे कभी हमारे घर में अगर रिश्तेदार या लोग आए और पराठे जले हुए हुए कुछ हुआ तो हमेशा कि भाई शिवानी कहानी लिख रही होंगी और मुझे इतना मन करता था कि खींच के तमाचा दूँ इस कम वक्त को लेकिन मैं सिर्फ अपनी माँ की डर से या उनके प्रति तो आदर भाव से ये काम नहीं करती थी लेकिन हमेशा ये कि तुम्हारी माँ के धोए हुए कपड़े कभी सफ़ेद नहीं होते हैं तो मैंने कहा कि मेरी माँ को कोई टेनोपैल बेचना है टीवी पर पर हर चीज़ में मैंने जो उनकी गृहस्थी के कामों में जो खुचड़ निकाली जाती थी मुझे इतनी पेटी और इतनी घिनौनी लगती थी इसलिए भी शायद स्त्रियों से मेरी बहुत अधिक मित्रता नहीं होती थी क्योंकि मैंने देखा कि मानसिक परिष्कार मानसिक खुलेपन और सच्चाई के ले कर के एक तरह का प्रतिरोध औरतों में बचपन से बना दिया जाता है ये ये एक तरीके का पूर्वाग्रह नहीं है मृणाल जी की आ, आपने कुछ अपनी माँ के साथ होते हुए देखा और आपने समूचे स्त्री संसार के बारे में एक धारणा बना ली कि स्त्रियाँ ऐसी ही होती हैं नहीं जो, जो हमारे गिर्द हमारे गिर्द आप ये सोचिए कि 50-60 के दशक में हम लोग ट्राइबल्स थे क्लैंड में रहते थे हमारा दूसरे लोगों में उठना बैठना इतना कम था कि जब मैं स्कूल गई तब पहली बार मुझे और जातियों के बच्चों के साथ उठने बैठने का समय मिला और मैंने पहली बार सुना कि अमुक जाति के हैं या फलानी मैं तब तक जाति के बारे में सोचा भी नहीं था तो ये जो इंटर लॉक्ड सोसाइटीज़ थी ये बहुत भीषण हुआ करती थी इसके अपने गुण भी थे ठीक है ये बहुत सहारा देती थी घर घर में बाल विधवाएं पल जाती थीं घर घर में पितृहीन मातृहीन बच्चे पढ़ जाते थे लिख जाते थे लेकिन इसका एक भयंकर असर ये होता था कि माओं के मन में उन बच्चों की माओं के मन में एक ग्लानी भाव रहता था कि हम दूसरों के टुकड़ों पर जी रहे हैं तो इसलिए जल्दी से जल्दी लड़कियों की शादी कर दो उनमें कितने गुण हैं उनमें कितनी सामर्थ्य है इसको पहचानने का किसी के पास समय नहीं था लड़के थे तो उनको थोड़ा छूट मिल जाती थी लेकिन उनके ऊपर भी दबाव रहता था कि भाई अब ये पास कर लिए अब नौकरी कर लो नहीं मैं कुछ और करना चाहता हूँ नहीं याद है मेरे भाई एक बार बहुत सुंदर बाँसुरी बजाता था और उसको थी ये गिफ्ट थी बिना सीखे बहुत सुंदर म्यूजिकल था मेरी माँ की तरह तो वो एक बहुत सुंदर बाँसुरी खरीद करके लाया तो बाबू बहुत नाराज़ हुए बोले मैं तुमको इंजीनियर बनाना चाहता हूँ ये बाँसुरी बाँसुरी काम नहीं आएगी तुम्हारे तो मुझे लगा कि अगर कोई कोमल सुंदर चीज़ व्यक्ति पुरुष सीखना चाहे तो उसकी मनाही है और कोई कठोर काम अगर कोई औरत सीखना चाहे उसकी भी मनाही है भाई ये तो कोई बात नहीं हुई तो ये अब मैं इसको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ तब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी लेकिन सिर्फ मैं खामोश रहती थी लेकिन कहीं ना कहीं एक गांठ सी मन में पड़ जाती थी ठीक है थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ जिस दौर में आप लिख रही थी उसी दौर में मनु भंडारी भी लिख रही थी उषा प्रेमवदा भी लिख रही थी खुद आपकी माँ शिवानी लिख रही हुँ, थी हुँ। ये सब एक साथ लिख रहे थे आप भी लिख रही थी इसके बावजूद आप इनको अपने आप को इन सब से बहुत अलग बताती हैं सब्जेक्ट के स्तर पर कहीं ना कहीं आप एक थे फिर भी आप अपने आप को अलग क्यों मानती हैं इन सब से मैं मानती नहीं हूँ पाठक कहते हैं कि लगता ही नहीं आपकी कहानी के कि आप शिवानी जी की बेटी हैं तो ये सायास नहीं हुआ ये मेरे ख्याल में अपने अपने मैंने वही जो मैंने कहा ना कि आप अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं वो अपने दृष्टिकोण से देख रही हैं मन्नू जी अपने दृष्टिकोण से देख रही हैं और मन्नु जी से तो बहुत अच्छा मेरी माँ बहुत स्नेह रखती थी और उनसे मेरा बहुत अच्छा तादात्म्य भी था और बहुत सारी बातें हम लोगों में इस विषय में होती थी अपने उसमें मेरी माँ से मन्नु जी अधिक नारीवादी थी विचारों में लेकिन जब वो लिखती थी तो आपका बंटी में जैसे आ, लगता है थोड़ा सा कि उनके मन में इस प्रकार की वो है लेकिन आ, उनका लिखा लगभग उन्हीं गडारियों पर चलता था जिस पर उस समय का लेखन चल रहा था पुरुष भी लगभग उन्हीं विषयों पर लिख रहे थे दृष्टि थोड़ी सी फर्क थी इनफैक्ट रा, मुझसे राजेंद्र यादव अक्सर इस चीज़ में टोकते थे कि तुम भाषा क्यों इन्वेंट कर रही हो अपने लिए नहीं सिर्फ अपनी माँ से फ़र्क दिखने के लिए मैंने कहा नहीं क्योंकि जो बात मैं कहना चाहती हूँ वो इतनी फर्क है और इतनी अभी तक नहीं कही गई, गई है कि मुझे उसके लिए भाषा खोजनी पड़ रही है ऐसा नहीं है कि मैं कोई जानबूझ के दिदी को डिफाई कर रही हूँ बल्कि मेरी रीढ़ तो उसकी दी हुई है लेकिन जो मैं कहना चाह रही हूँ वो एक पूरी की पूरी भाषा मेरे लिए निरर्थक हो गई है जो पूरी जो रोमांटिक भाषा है जो पुड़ियों में प्रेम पत्र बना के छतों पर फेंकी जाने वाली भाषा है वो भाषा मेरे लिए निरर्थक हो चुकी थी जब तक मैंने लिखना शुरू किया तो इसलिए आई वॉज़ कॉन्स्टेंटली री इन्वेंटिंग री लुकिंग और उसमें मुझे पौराणिक आख्यान उपाख्यान क्योंकि उसमें जो खुलापन है वो बहुत मज़ेदार है भाषा तो मिनाल जी आगे की तरफ जानी चाहिए अगर आप वापस पुरानी भाषा को लेकर आएंगी पुराने बिंबों से मतलब है हाँ। पुराने बिंबों को आप नई भाषा में कहिए अब जैसे एक दसवीं ग्यारहवीं सदी में एक राजा भोज हो गए हैं ये पता नहीं था हर वाले भोज थे बहुत सारे भोज हुए हैं उन्होंने एक श्रृंगार मंजरी करके किताब लिखी उसमें एक कहानी मेरे हाथ लगी जिसमें दो वेश्याओं की राग मंजरी और काम मंजरी दो बहनें है। हैं और दोनों वेश्याएं हैं उनको कुटनी कहती है कि वेश्या का शत्रु प्रेम होता है तुमको सिर्फ पैसे से प्रेम होना चाहिए पुरुष से नहीं तुम पैसा लो चलती बनो प्रेम कभी मत करना तुम्हारा धंधा ठप हो जाएगा समथिंग टू दी इफेक्ट तो राग मंजरी जो है उसको दुर्भाग्य से प्रेम हो जाता है काम मंजरी को नहीं होता है वो तो अपने काम से काम रखती तो वो बड़ी सफल है राग मंजरी का अंत तो फिर दुखद होता है तो उसके उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि ये ये जो स्त्री है ये स्वतंत्रा ये स्वतंत्रा महिलाएं हैं स्वतंत्रा का अर्थ मुझे लाठ की किताब में मिला स्वतंत्रा वो महिलाएं थीं जो अपने को जब जिस पुरुष के साथ चाहें जोड़ सकती थी उसके साथ रह सकती थी न पुरुष को कलंक लगता था न उनको याज्ञवल्क ने भी स्थापना दे दी कि हाँ वो जो है ये वर्जित ये प्रेम वर्जित स्वतंत्रा स्त्री से प्रेम वर्जित नहीं है लेकिन स्वतंत्रा स्त्री विवाह नहीं कर सकती उसको इतना ही फायदा था कि उसको दंड नहीं लगता था वरना पुरुष को भी और उसको भी पचास कार क्षपण का दंड उन दिनों दिया जाता है पचास कांसी के सिक्के का दंड मिलता था तो स्वतंत्रा शब्द स्त्री के परिप्रेक्ष्य में पहली बार मुझे याज्ञवल्क्य स्मृति मैंने बारहवीं सदी के आसपास मिला उसमें भी ये बाधा है कि दी ओनली फ्री वूमेन स्वतंत्र स्त्री वो है जो एक तरह से खुला जीवन जीती है तो खोज खोज करके जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे बिंब और कैरेक्टर्स उस तरह के मिले फिर उनसे ही जुड़े हुए उन्हीं के जैसे देवी में है कि उनसे जुड़े हुए कैरेक्टर्स अपनी एज में भी दिखने लगे जो औरतें खड़ी होकर के हाथ उठा के श्राप दे रही हैं कि तेरा नाथ सर्वनाश हो जाए ये वो वो हमारे समय में भी हैं तो इसलिए मुझको लगता है कि वो जो एक देवी में एक तरह से वो करसर दीप दिपा रहा है अच्छा जो हमको ले जाता चुकि है क्योंकि देवी की ही बात की आपका उपन्यास ही है है ना समयातीत गाथाएँ स्त्रियों की देवी इसको पढ़ते हुए एक चीज़ एक सवाल तुरंत एक ये उठता है कि ऐसा क्यों है कि अधिकांश देवियों को नहीं संतान दिखाया गया है या बताया गया है हमारे पूरे के पूरे जी, जी, आख्यानों में इसका क्या कारण हो सकता है कि वो निःसंतान है अधिकांश देवी ये सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे अपनी समझ सीमित समझ में लगती है वो ये कि स्त्री को सबसे अधिक वेद्य और निष्कवच बनाता है माँ होना अब आप जब गर्भवती होती हैं तब आप शारीरिक रूप से निष्कवच और अक्षम हो जाती हैं लेकिन उसके बाद भी अपने बच्चे की परवरिश अपने बच्चे को अच्छी तरह से पाल पोस के इस योग्य बनाना कि वो अपने को डिफेंड कर सके ये आपका दाय बन जाता है और दैट मीन्स योर प्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ईयर्स आर द सेम आपके उत्पादन और उत्पादकता के वर्ष एक ही हैं तो नौकरी तो भूल जाइए आप क्योंकि जिस उम्र में सबसे अधिक पुरुष प्रोग्रेस करता है और हथियार चला के महारथी रथी बनता है उस उम्र में आपकी गोद में बच्चा खेल रहा है तो फिर आप उसी की सबसे सर्वोपरि चिंता करेंगी तो इसलिए ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो हमारी लोग कथाएँ हैं या कथाएँ हैं शास्त्रों में पुराणों में उसमें शिव ने पार्वती से कहा कि तुम मेरा गर्भ धारण करो पार्वती ने इनकार कर दिया तो शिव के गर्भ को धारण किया गंगा ने लेकिन गंगा ने कहा कि मैं इसको सिर्फ बच्चे का आकार दूंगी बच्चा पूर्ण विकसित हो जाएगा तो मैं इसे तट पर छोड़ जाऊंगी मैं बच्चा नहीं पाल सकती हूँ तो देखिए दो पावरफुल औरतें हैं दोनों ने कहा कि हम बच्चा पैदा कर देंगे लेकिन पार्वती ने तो साफ कहा मैं नहीं पैदा करूँगी गंगा ने कहा मैं पैदा कर दूंगी क्योंकि तुम्हारे जैसे व्यक्ति का पुत्र होना चाहिए पावरफुल तो कार्तिकेय को उन्होंने जन्म दिया और गंगा की रेती में छोड़ गई और पाला उनको छह देवियों ने जो छठ छठ माताएँ जो हमारे यहाँ कहते हैं ना छठ जिनकी पूजा करते हैं छठी माता ये सारी जो औरतें थीं ये पहले कहा जाता था ये बच्चों को खा जाती हैं मतलब ये देवर कैनिबलिस्टिक वेमेन तो उनको इतने सुंदर बच्चे को देख के प्यार आया कि उनके स्तनों में दूध आ गया उन्होंने उसको पाला और वो बच्चा स्कंद बना लेकिन इंटरेस्टिंगली ले, स्कंद आजन्म अविवाहित रहे स्कंद ने शादी नहीं की स्कंद की कोई संतान नहीं है तो एक तरह से ये सारी कथाएं हमको एक दिशा में ले जा रही हैं अब हम किस दिशा में जाते हैं अंधविश्वास की दिशा में जाते हैं कि री इन्वेंशन और इन्वेंशन की दिशा में जाते अच्छा, हैं। अच्छा मुझे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अधिकांश देवियों का निःसंतान होने के पीछे एक कारण संभवतः ये भी हो सकता है कि जब आप किसी की माता होते हैं आपकी कोई संतान होती है तो आपका जो स्नेह है या वात्सल्य लगाव है वो उसके प्रति ज़्यादा होगा पूरे संसार के प्रति कम होगा okay. जैसे ही आप निः संतान होंगे तो आप ये मानकर चलेंगे कि ये पूरा दुनिया मेरी संतान है और उसे आप, आप अपनी माता के रूप में पूजने लगते हैं और अगर आप देखें अधिकांश देवियों की पूजा भी उन्हीं की होती है जिसको माना जाता है कि ये हमारी माता और पूरा संसार उनका पुत्र है या फिर आ, ये है ये लेटर डेवलपमेंट है सर ये नई ये इमेज नहीं है जो स्त्री का जो देवी रूप है जिसमें कि शी रिफ्यूजेज टू बी अ मदर hmm. वो बहुत उग्र रूप है hmm. अभी भी आप देखिए जैसे जो कुछ उग्र देवियाँ हैं काली है जैसे या नंदा देवी पहाड़ में जो उत्तराखंड की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती hmm. है वो उग्र देवियाँ हैं hmm. और ये दे डू नॉट कंट्रोल दे टेम्पल एंड दे आर वेरी वेरी पावरफुल उनके पावर को कंट्रोल करना भी कठिन है इसीलिए लिए जब मर्दिनी को बुलाया गया था उसके बाद फिर आखिर में हाथ जोड़ के आ, म, 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 कहते हैं देवता लोग गच्छ गच्छ स्वस्थानम सुरेश्वरी हे देवी अब आप अपनी जगह वापस जाइए तो आप औरतों की ऊर्जा और औरतों के उस क्रोध के तेज को वहन एक हद तक कर रहे हैं उसके बाद उनसे कह रहे हैं कि तुम अब जाओ हाशिए पर वापस जाओ तो वहाँ बैठ के वो स्वेटर बनेगी क्या <laughs> नहीं बनेगी ना तो इसलिए मेरे मन में अक्सर ये आता था कि बहुत सारी ऐसी औरतें जिनका कि सहज तेज और आक्रोश समाज ने इस्तेमाल किया है और फिर उसके बाद उनसे कहा है कि नहीं अब आप जा के हमको स्टेज दे दीजिए अब हम इसको संभालेंगे उस, उस उग्रता को या उस आक्रोश को शांत करने के लिए भी तो आप उनको अपनी माँ तमाम पुरुषों ने माना ही होगा हाँ लेकिन अगर किसी स्त्री ने बच्चे को जन्म ही ना दिया हो तो माँ कहने मात्र से क्या वो इतना पिघल सकती है ये भी सवाल उठता है नहीं ये सब बातें आप सही कह रहे हैं मैं भी सिर्फ संभावनाएं बता रही हूँ इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारी जो देवी की परिकल्पना है ये उस युग से जुड़ी हुई है जब मात्र सत्ताक समाज था तो उसमें ये सहज है कि कुछ स्त्रियां बाल बच्चे पैदा करेंगी गृहस्थी चलाएंगी और ये सच है कि बहुत सारी महिलाएं हैं वो आर बॉन्ड टू बी मदर्स वो आर बॉन्ड टू बी हाउस होल्डर्स एंड दे लव इट और बहुत अच्छी बात है कि उन्हीं के बूते से सब चलता है लेकिन कुछ स्त्रियाँ ऐसी हैं जो कि ये नहीं चाहती हैं हमारा समाज उनको परमिशन भी, भी नहीं देता है भी नहीं देता है हालाँकि उनका तेज यूज़ करता है फिल्म स्टार्स में देख लीजिए आप मुमताज हैं मीना कुमारी हैं कितनी सारी ऐसी मधुबाला हैं कितनी सारी ऐसी फिल्म एक्ट्रेसेस हैं जिनको कि उनके परिवार वालों ने फिल्मों में कमाने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया लेकिन अंत समय में वो अकेली अकेली ही रहीं मधुबाला के पिता ने उनको शादी करने की परमिशन नहीं दी मीना कुमारी के पिता ने उनको शादी करने की परमिशन नहीं दी पुरानी बात कह रही हूँ अब तो दुनिया वॉल्व हो गई है तो इसलिए ये भी एक सोचने की बात है हम संभावनाओं पर सोचते रहते हैं लेखक जब ये उपन्यास आपने लिखा होगा देवी बड़ा परेशानी हुई होगी कि कैरेक्टर्स के साथ मॉडर्न कैरेक्टर्स मैं कैसे खड़े करूं जैसे पहला पहली देवी इसमें युयुत्सा देवी आती हैं तो आरंभ में तो परेशानी आपको हुई होगी किस देवी से शुरुआत करूं और किस मॉडर्न कैरेक्टर को मैं इसमें लेके आऊं क्योंकि इसमें देवी की कथा भी चल रही है आधुनिक समाज की भी चल रही है और आपके अपने घर की भी चल रही है जी तो वो कैसे हुआ किसर में बहुत सारे बाल हों तो आप एक गूंथ के मोटी चोटी <laughs> बना ही लेते हैं तेल करके आप कहने बस एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है इस प्रक्रिया को रचना प्रक्रिया को लेकिन आ, मैं ये कहूँ कि मैं कुछ किताबें हैं जो मैंने बड़े आनंद से लिखी हैं हाँ। देवी उनमें से एक है और दूसरी ये बच्चों को न सुनाने लायक हाँ। लोग कथाएँ बड़ा आनंद ले लिखी हैं मैंने मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कि एक लेखक जब उसके सामने बहुत सारी कथाएं होती हैं और उसका इंटरेस्ट जैसे आपका इंटरेस्ट बौद्ध और जैन जातक कथाओं में बहुत ज़्यादा है पौराणिक कथाओं में तो आपका है ही जब आप उन कथाओं को आधुनिक समाज के साथ दोनों को एमलकमेट करते हैं उनको गूथते हैं किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि भावनाएं भी आहत ना हो और आप अपनी बात भी कह जाए ये भावनाओं का आहत होना ना होना तो बाधा नहीं बन सकता है किसी न किसी की तो भावनाएं आहत होंगी ही अब अगर मान लीजिए कि कोई वो है हाथी है और वो चिड़िया की पूंछ पर पैर रखते और कह के मैंने सिर्फ तेरी पूंछ दबाई है तो भावनाएं चिड़िया की हाथ होंगी कि नहीं होंगी कि हाथी की भावनाएं हाथ होंगी कि नहीं होंगी ये इस तरह की चीज़ है तो भावनाएं आहत होने की बात नहीं है लेकिन एक बार आप अगर सचमुच में सोचने लगें और उस पर पढ़ने लगें तो बहुत सारी चीज़ें स्वतः प्रकाशित होने लगती हैं hmm. जैसे कई बार गूगल मैप में होता है ना बटन दबाइए तो वो रेड डॉट्स अपने आप उभर आते हैं देन यू ट्राई टू कनेक्ट दोज डॉट्स तो बड़ा मज़ा आता है कि किस तरह से उसको कनेक्ट करें तो इसी तरह से काली की ये काली हैं तो वो डाकुओं की भी देवी हैं और वो गृहस्थों की भी देवी हैं डाकू लोग जब मर्डर करने जाते हैं ठगों की देवी हैं ठग लोग मर्डर करने से पहले काली मंदिर की मिट्टी सिर पर लगा करके जाते थे और पैसा ढेला वहाँ चढ़ाते थे तो एक ही देवी है और वो है मूलतः शबरों की देवी जो भील थे और भील जो थे किस इलाके में रहते थे जो सबसे बिहड़ सबसे सूखा इलाका था बिंद पर्वत का वहाँ पर शेर बाघ चीते सब थे तो देवी का वाहन स्वतः निर्मित हुआ उनके मन में ये मनुष्य की बनाई हुई कल्पनाओं पर आधारित बिंब है ना और जो देवी हैं वो शबरों की भी हैं इनकी भी हैं फिर बात को जब विन्ध्यांचल पर्वत में रामचंद्र जी आए तो फिर ये जो तथाकथित सनातन धर्म था वो भी उससे जुड़ गया लेकिन सनातन धर्म बहुत बाद में आया उससे पहले जो इंडिजिनस धर्म थे कबीलों के जो धर्म थे छोटे छोटे धर्म थे वो ये एक बाबा बोखनाथ हैं जैसे उन पर मैं लिखना चाहती हूँ बाबा बोखनाथ जो हैं जो वो उस सिलियारा जो सुरंग बन रही है उसका जो पर्वत है उसको कंट्रोल करते हैं पहाड़ में हर पर्वत चोटी का एक रखवाला देवता होता है तो बाबा बोखनाथ जो हैं उसके देवता थे तो जब ये सुरंग बन रही थी ना बोखनाथ का मंदिर तोड़ दिया तो मजदूरों ने कहा बोखनाथ बाबा नाराज़ हो गए सुरंग नहीं बनेगी तो जब बनने लगी ढह गई तो हल्ला मचा तो फिर एक एक, एक जैसे कूलर के लिए हम बनाते हैं लोहे का उसके ऊपर बना के एक बाउखनाथ का छोटा सा मंदिर रखा गया है और ये जो अभी नॉर्वे या कहाँ से जो स्पेशलिस्ट आए हैं उन्होंने भी कल बउखनाथ को नमस्कार किया कि भैया तुम तो हमारी मदद करो तो ये मनुष्य के मन की आदिम प्रवृत्तियाँ मुझे बहुत आकर्षित करती हैं कि सारा पढ़ा लिखा सारा सब कुछ इक्कीसवीं सदी कहाँ हम चंद्रयान भेज रहे हैं और 40 मजदूरों को एक सुरंग से निकालने के लिए हम बाबा बफनाथ को हाथ जोड़ रहे हैं तो ये अपने आप में ये पंजाबी गाना है ना ये धरती उंगा कितने तो मुझे इस तरह की चीजें अब वो दिनों तक मेरे मन में गूंजेगी शायद कुछ उससे तक, तक नहीं लेंगे जब मृणाल जी आपकी पहली कहानी जी। कोहरा और मछलियाँ छपी थी धर्मयुग में इक्कीस साल की संभवता आप थी उस समय जी बड़ी मज़ेदार कहानी है उसके पीछे मैं चाहता हूँ जिसको नहीं पता एक बार आप उनको ज़रूर बताएं कैसे वो कहानी छपी थी अरे कोई ख़ास ऐसा ये? नहीं वो कहानी मैंने लिखी है? और बचपन से मैं धर्मवीर भारती को एड्रेस तो मुझे रटा रटाया था तो तब तक मेरी शादी हो चुकी थी और हम लोग नीमच नाम की एक छोटी सी जगह में तब वो तहसील थी अब एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पोस्टेड थी तो मैंने वो कहानी लिखी और अपना नाम लिखा मृणाल पांडे और उनको भेज दी आ, और उसमें मैंने कहीं जिक्र नहीं किया कि मैं किसकी बेटी हूँ हालांकि मेरी माँ के बहुत अच्छे मित्र तब तक बन चुके थे लेकिन दोनों मिले नहीं थे तब तक कभी और मेरा तो खैर कोई सवाल ही नहीं था तो मैंने वो लिखा और उनको भेज दिया और उसमें साथ में जो चिट्ठी अटैच की उसमें कहा कि मेरी पहली कहानी है मेरी लिखी पहली कहानी है अगर पसंद आए तो धर्म में स्थान दें मुझे बहुत उसका वो होगा गर्व होगा तो लौटती डाक से उनका पत्र आया कि मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी आप में बहुत संभावनाएं हैं आप लिखती रहिए और जो भी लिखें मुझे भेजिएगा बस मेरे में क्या था मैं तो चने के झाड़ पर चढ़ गई और फिर वो कहानी छपी उसके बाद कुछ वर्षों के बाद मेरा भाई बॉम्बे में पोस्टेड था मेरी माँ गई वहाँ तब तक उन्हें तो नहीं पता था आप नहीं नहीं बिल्कुल नहीं पता था हाँ। तो आ, मेरी माँ भाई के पास गई कुछ महीने रहने के लिए बॉम्बे में तो उसने कहा कि मैं धर्मवीर भारती से मिलना चाहती हूँ भाई इतने साल से उनसे मेरा इतना प्रेमपूर्ण रिश्ता है और कभी मिली नहीं उनको फ़ोन किया उन्होंने कहा आप तुरंत आ जाइए बल्कि धर्मियों परिवार के सारे लोग आपसे मिलने को उत्सुक हैं पर घर आइए खाने के लिए फिर वो धर्मियुगु के दफ्तर अफ्तर भी गई बातों बातों में मेरी मदर से मदर से पूछने लगे जैसे हम लोग हमेशा पूछते हैं लेखकों से कि भाई कोई अच्छा नया लेखक इधर दिखाई दिया तुमको तो उन्होंने मेरी मदर ने उनसे कहा कि कोई अच्छा नया लेखक आपको दिखाई दिया तो बोले कि एक लड़की है मृणाल <laughs> <गंडाल> पांडे <laughs> हाँ. और कहाँ दूर दराज से मध्य प्रदेश से लिख रही है पर अच्छा लिख रही है तो मेरी माँ बड़ी ज़ोर से हंसी उन्होंने कहा आपको जान के आश्चर्य होगा वो मेरी बेटी है तो बोली हैं उसका तो सरनेम पांडे है, तो मेरी माँ ने कहा कि हाँ उसने पांडे से शादी की और पांडे सरनेम हो गया उसका हुँ. वो मेरी लड़की है और मेरी एडिटर रह चुकी है तो उनका मुझे इतना सुंदर पत्र आया हुँ. कि मुझे शिवानी जी से मिलने का हालात तो था ही लेकिन ये जानकर बहुत खुशी हुई कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता के नाम से अपना परिचय नहीं देते हैं अब कभी भी बम्बई आओगी तो मुझसे ज़रूर मिलना तो मुझे इतनी खुशी हुई है दोनों चिट्ठियाँ मैंने रखी हैं और उसके बाद कुछ साल के बाद जब हम लोग दिल्ली आए और टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा ट्रेनिंग के लिए हमारे यहाँ बॉम्बे भेजा जाता है आप किसके अंदर ट्रेन होना चाहेंगी तो मैंने कहा धर्मवीर भारती तो मैं गई तब उनसे पहली बार मुलाकात हुई फिर उनके घर गई पुष्पा जी से भी मिली बहुत प्रेम से उन्होंने एक महीना मुझको ट्रेन किया जो भी हूँ मैं थोड़ा बहुत उसकी बहुत बड़ा श्रेय दोनों पति पत्न, पत्नी को जाता है तो उन्होंने फिर यही घटना दोहराई ट्रेन तो आप ऐसी हुई कि इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंची <laughs> कि पर धर्मवीर भारती और पुष्पा भारती के लिए मेरे मन में एक अलग ही इसी तरह से कमलेश जी कमलेश्वर जी तब सारिका के संपादक थे उनको मैंने अपनी कहानी भेजी तो उन्होंने मुझको ऐसे ही लिखा कि तुम नया नया लिख रही हो पर तुम्हारे लिखने में संभावनाएं हैं ज़रूर लिखती रहो और कब कभ, जब कभी चाहो मुझे रचना भेज सकती हो तो उस जमाने में संपादक एक्चुअली रचनाएं पढ़ते थे और तुरंत लौटती डाक से पत्राचार करते थे अब तो खैर पत्राचार ही क्यों क्यों मतलब ये संपादकों के का ऐसा व्यवहार भी क्यों धीरे धीरे कम, कम होता, होता चला गया मुझे सोचने से दो तीन वजहें लगती पहली वजह तो ये कि वो खुद भी बड़े साहित्यकार हुआ करते थे धर्मवीर भारती थे कमलेश्वर थे मोहन राकेश थे मनोहर श्याम जोशी थे Correct. इन सबका अकुंठ स्नेह मुझको मिला बिना किसी उसके कि ये किस घर की है या किसकी बेटी है लेकिन धीरे धीरे फिर उसके बाद ये ट्रेडिशन बन गया कि साहित्यकारों को क्यों रखा जाए बल्कि ये कहने में एसपी सिंह अग्रणी थे मेरे बहुत अच्छे मित्र थे लेकिन इस चीज़ पर मेरी उनसे काफ़ी लड़ाई होती थी uh -huh. उनका कहना था कि इस हिंदी पत्रकारिता का जो विकास नहीं हुआ ये सब साहित्यकार संपादकों की वजह से उन्होंने कला साहित्य की तरफ इतना उनको उलझा दिया कि करंट राजनीति पर कोई बहस नहीं हो पाई खैर ये भी सही था ज़माने बदल रहे थे मंडल आ गया था नई तरह के नेता आ गए थे सब जातियों का वर्चस्व धीरे धीरे उठ रहा था तो उसमें शायद एक नई तरह की एसपी सिंह टाइप की तर्र उदयन शर्मा उदयन शर्मा एस पी सिंह इस तरह के uh, संपादकों की ज़रूरत थी और वो उभरे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया लेकिन जब साहित्यकार चले गए तो पत्रिकाएं बंद होने लगी hmm. पत्रिकाएं बंद हुई तो साहित्यकारों के लिए ख़ासकर कथाकारों के लिए एक बहुत बड़ा सहज मंच जो था वो गायब हो गया और फिर अखबारों में भी साहित्य के पन्ने मिटने लगे क्योंकि प्रेशर बढ़ा पॉलिटिकल स्टोरीज़ का hmm. तो धीरे 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 करके साहित्य चर्चा ही साहित्य ही नहीं साहित्य चर्चा भी कम होती गई किसी ने नोटिस नहीं किया क्योंकि साहित्य चर्चा अगर लोग साहित्य ही नहीं पढ़ रहे हैं तो साहित्य चर्चा क्यों करो तो इसलिए ये सब चीज़ें होती गईं तो जब ये साप्ताहिक हिंदुस्तान बंद हुआ करीब उन्नीस के लगभग तो मुझको नामवर जी कहीं पर मिले और मुझसे बोले मृणाली क्या तुमने क्यों होने दिया तुम संपादक थी तुम सीधे सीधे हिंदुस्तान में आ गई तुमने साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए संघर्ष नहीं किया hmm. तो मैंने कहा नामबा जी संघर्ष आप लोगों का करना बनता था मेरी तो पत्रिका थी hmm. और मुझको साफ साफ कहा गया कि विज्ञापन नहीं मिल रहे हैं कागज़ महंगा हो रहा है और प्रिंटिंग का खर्चा बढ़ रहा है और ये तर्क हैं जिनको मेरे पास कोई उत्तर नहीं था अगर बतौर पाठक बतौर उपभोक्ता आप लोग कोई मूवमेंट खड़ा करते कि नहीं पत्रिकाएं बंद नहीं होनी चाहिए तो पत्रिकाएं शायद कुछ तो बच जाती लेकिन आप लोगों ने तो कुछ किया नहीं आप हमसे क्यों उम्मीद करते हैं जो आप नहीं कर पाए तो ये सवाल अभी भी अपनी जगह पर है कि चढ़ जा बेटा सूली पर कहने वाले तो हिंदी पत्रकारों के लिए बहुत हैं लेकिन पत्रकारों के साथ खड़े होकर के उनके लिए कोई मूवमेंट बनाने वाले अच्छे अखबारों के लिए मूवमेंट बनाने वाले अच्छे चैनलों के लिए मूवमेंट बनाने वाले नॉन मीडिया पीपल वो कहाँ हैं बैठे बैठे आप कह तो बहुत सकते हैं दोस्तों में शोक भी व्यक्त कर सकते हैं लेकिन मुझको लगता है बतौर उपभोक्ता हिंदी मीडिया के लोगों ने हिंदी मीडिया का उतना साथ नहीं दिया जितना उनको देना चाहिए था खरीद के स्तर पर भी ख़रीद के स्तर पर भी देखिए अधिकतर अभी भी जो बिक्रियाँ हैं हिंदी अखबारों की वो स्टॉल सेल्स से, हैं स्टॉल से बिकते हैं नियमित गाहक बहुत कम बनते हैं सहारा श्री ने कोशिश की थी नियमित गाहक बनाने की और उन्होंने डीलर्स और वेंडर्स को स्पेशल छूटें और उनको तोहफे वगैरह देना शुरू किया कि आप 200 अखबार जो रोज बेचेगा उसको एक मोटरसाइकिल मिलेगी ढाई सौ ढाई साल तक जो लगातार अखबार बेचेगा उसको साइकिल मिलेगी ये वो लेकिन ये फिर स्कीमें विकृत इतनी हो गई कि जो डीलर्स और वेंडर्स थे पटना या दरभंगा या गोरखपुर में वो फिर बादशाह बन गए फिर वो भाव छांटने लगे फिर वो पैसा कटने लगा उनको जो दिए जाते थे स्कीम के विज्ञापन आ नहीं रहे थे तो ये बड़ी लंबी और बड़ी अकथ कहानी अगत तो कहा बच, बचाया कैसे जाए क्योंकि देखिए अब बच गए हैं मोवमेंट्स तो नहीं बचेगा देखिए बच गए हैं इसलिए क्योंकि उनके पास अब ढेरों पैसा है पैसा कहाँ का है नब्बे प्रतिशत एडवर्टाइजिंग का पैसा है और वो एडवर्टाइजिंग कौन दे रहा है बहुत बड़ी पैमाने पर आप देख लीजिए रोज़ सुबह अखबार पर किसी न किसी मुख्यमंत्री का चेहरा चमक रहा होता है पूरे फुल पेज के विज्ञापन हम लोग मर जाते थे फुल पेज का विज्ञापन हमको मिल जाए तो वो भी पूजा के सीजन में लेकिन आज आप देख लीजिए कि एक अखबार में तीन तीन चार चार मुख्यमंत्रियों के फुल पेज विज्ञापन हैं वो भी कलम है और विज्ञापनों के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं तो पैसे की अब कमी नहीं है लेकिन दुख की बात यह है कि पैसे के साथ ही चूँकि आपने अपने घर में बाघ को न्योता है बाघ की सवारी बड़ी ख़तरनाक होती है उतरने के बाद पता नहीं खाएगी छोड़े लेकिन एक बाघ को तो आपने भी एक तरीके से न्योता ही था और वो इस तरह से कि आप लगातार हिंदुस्तान समाचार पत्र में संपादक के लिखती गई लिखती रहीं कि जो स्त्री है उसकी देह का वस्तुकरण हो रहा है बाकायदाप आपकी किताब भी है इस पर एक जिसमें तमाम इस तरीके के लेख हैं लेकिन उसी अखबार में आप अर्धनग्न स्त्रियों के ऐड भी छापा करती थी उसी संपादकीय के, के पीछे जी तो एक ही अखबार में ये दो तरीके की ये तलवारें कैसे चल सकती हैं दो तरह की तलवारें इस तरह चल सकती हैं कि जैसे आ, किसी का बच्चा अगर मर रहा हो भूख से तो वो भीख भी मांग लेगी उस बच्चे को बचाने के लिए तो आप मुझे उस माँ की तरह समझिए जो कि अपने बच्चे को बचाने के लिए भीख भी मांगने को तैयार थी लेकिन आ, अर्धनग्न तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन हाँ ये सही है कि अगर आप कमर्शियल विज्ञापन लेंगे तो, तो अधिकतर कमर्शियल विज्ञापन किन चीज़ों के हैं कमला पसंद पान पराग ये सब जो गुटखा उत्पादक हैं वो बड़े पैमाने पर देते हैं और या फिर अंडर गार्मेंट्स के ढेरों है। एड्स हैं आप हिंदी के चैनलों में ही देख लीजिए और फिर या टू व्हीलर बाइक्स के एड्स हैं और फिर पॉलिटिकल एड्स हैं तो कुल मिला करके आपको यू हैव टू चूज़ कम से कम कमर्शियल उसमें यह है कि सीधा साथ दे और उस हाथ ले वाला पैसे का लेन देन है लेकिन यहाँ तो फिर विज्ञापन भी मिलेगा फिर ये भी आएगा कि फ्रंट पेज पर इनका इंटरव्यू डालो और एडिटोरियल में ये कुछ नहीं जाना चाहिए और एडिटोरियल में अग्रलेख इस बार हमारे अमुख मंत्री लिखेंगे hmm. तो ये भी है तो इफ़ यू हैव टू चूज़ बिटवीन रॉ कमर्शियल मार्केट एड गिवर्स एंड पॉलिटिशंस तो आई वुड चूज़ द मार्केट एनी डे ओवर पॉलिटिशियंस क्योंकि पॉलिटिशियंस ने सब चीज़ का कबाड़ा कर दिया अखबारों ही नहीं क्रिकेट का भी कबाड़ा कर दिया पर फिर आपकी वो सिद्धांत तो और प्रतिबद्धता कहाँ जाएगी जो समाज के प्रति है सिद्धांत तो और प्रतिबद्धता हम जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं आप तो उसको पढ़िए ना पढ़िए कहाँ छपेगा मतलब अगर मैं रोज़ सुबह एक टाइप करके और उसका वो टाइप राइटर ले करके अपने घर के सामने बैठ जाऊँगी देखिए मैंने आज समाज के लिए ये लिखा है उसका कोई फ़ायदा नहीं जंगल में मोर नाचा किसने देखा सो यू हैव टू गो टू अ बाइट सर्कुलेशन थिंग तो इसलिए अब मैं ऑनलाइन जो है उनमें लिख रही हूँ ऑनलाइन अब मैंने हिंदी में लिखना बंद कर दिया इसीलिए हिंदी के किसी अखबार में मैं अब नहीं लिखती हूँ इसी दुख से कि हिंदी अखबारों का जो विवेक और जो उनका स्वभाव में बनता हुआ देख रही हूँ उससे मेरी बहुत सहमति नहीं है तक कि आपने अपनी किताब आ, हिंदी जर्नलिज्म की हिस्ट्री पर जो किताब है वो, वो अंग्रेजी में लिखी है आपने उसका हिंदी अनुवाद आ जाएगा बहुत लोगों की छातियों पर मूंग जाएगी उससे लेकिन लेकिन नहीं ये दुख की बात है क्योंकि एक तरह से मेरे अंदर भी एक घुटन है कि मैं हिंदी में जो कहना चाहती हूँ रोजमर्रा क्रिकेट पर मैं बहुत अच्छा लिख सकती हूँ क्रिकेट की मैं बहुत कीन वो रही हूँ खिलाड़ी तो मैं कभी नहीं रही लेकिन वॉचर हूँ और क्रिकेट के बारे में मैं आजकल ख़ास का जो क्रिकेटीकरण हो रहा है आ, उसके बारे में आ, लिख, लिखना चाहती हूँ लेकिन हिंदी में मैं लिख नहीं सकती अंग्रेज़ी में मैं लिखूँगी नहीं क्यों? आ, अंग्रेज़ी में लिखने वाले बहुत सारे लहिम शहिम लफाज लोग हैं जिनकी जमी जमाई दुकानें हैं तो इसको किसी और एंगल से लिखूँगी लेकिन क्रिकेट पर फोकस करके नहीं, नहीं। वो हिंदी पत्रकारिता के इतिहास जी आपने अंग्रेजी में क्यों लिखा हिंदी में क्यों नहीं लिखा दो वजह हैं एक तो ये कि हिंदी अखबारों से मेरा जैसे कहते हैं अंग्रेजी में आई हैड ए लवर्स स्कॉरल प्रेमियों का झगड़ा हो जिसे कहते हैं हिंदी और मेरे बीच हिंदी पत्रकारिता और मेरे बीच में हो गया है कि आप इतना घटिया सा छाप रहे हैं और एक भी संपादक प्रतिरोध में न इस्तीफा दे रहा है न चू कर रहा है और न ही अग्रलेख ऐसे लोगों से लिखवा रहा है जिनकी राय स्थापित राय के विपरीत जाती हो या जिनकी राय कुछ सवाल ज़रूरी सवाल उठाती हो तो इसलिए नहीं लिखा दूसरे मुझे खड़े खड़े ओरिएंट ब्लैक स्फोन वालों का न्यौता मिला उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इतने सारे स्कूल्स ऑफ जर्नलिज्म हैं नब्बे फ़ीसदी हमारे स्टूडेंट्स नॉन हिंदी स्पीकिंग हैं और उनको पता है कि सबसे बड़ा फुटप्रिंट हिंदी का है लेकिन हिंदी पत्रकारिता के बारे में कोई व्यवस्थित और डेटा सहित सामग्री उपलब्ध नहीं है तो आप एक हमारे विद्यार्थियों के लिए टेक्स्ट बुक नुमा किताब लिख दीजिए हमारी एक सीरीज़ है हिंदी जर्नलिज़्म पर तो मेरे पास सामग्री तो काफ़ी थी फिर मेरे जो पूर्व सहयोगी थे उन्होंने भी सहयोग किया और कुछ सामग्री मुझे मुहैया कराई क्योंकि तब तक तो मैं घर पर थी और उसके बाद फिर वो कोविड के दो सालों में बैठ करके के मैंने जम के लिखी और अब वो किताब छप गई है तो अब हिंदी वालों ने कहा हम अनुवाद करें मैंने कहा खुशी से हिंदी वालों तक भी पहुंचे क्योंकि जो बात कह रही हूँ मैं बिना लाग लपेट के बिना किसी भी कर सकती हैं नहीं मैं अपनी लिखी चीज़ का खुद अनुवाद नहीं कर सकती हूँ न रचनात्मक न ना। ना रचनात्मक लेखन का न दूसरी तरह के लेखन का न हिंदी एक ही चीज़ को दो भाषाओं में कहना बहुत कठिन होता है पहले किस भाषा में सोचते हैं मैं तो हिंदी में ही सोचती हूँ हिंदी में ही सोचती हूँ हिंदी में ही गुणा भाग करती हूँ जोड़ती हिंदी में हूँ पहाड़ी हिंदी में जब बुनियादी पढ़ाई सब उसी में हुई है, है टू टू या फोर से पहले दो दो हजार का पहाड़ा मैं पढ़ सकती हूँ <laughs> भी होता था मन शेर छटाक का पहाड़ा ये सब भी होता था फिर ठीक है वो जमाना निकल गया कोई दुख की बात नहीं चलिए थोड़ा साहित्य की तरफ वापस मुड़ रहा हूँ कि तीन चार उदाहरण ले रहा हूँ कि एक तो पटरंगपुर पुराण की कई सारी पीढ़ियाँ हैं रास्ते पर भटकते हुए की मंजरी है उसके बाद विरुद्ध की रजनी है या फिर बाकी किरदार करकशा के किरदार ले लें आप या फिर बिब्बो के किरदार ले लें आप ये सारे के सारे किरदार मध्यवर्ग से आते हैं आपके यहाँ ऐसा क्यों है कि आप बस्तर की कहानी नहीं लिख पाती हैं या फिर उस आदिवासी समाज या फिर उस निम्न मध्यवर्गीय तक नहीं पहुंच रहे हैं देखिए हिंदी में एक ये बड़ा ऊटपटांग सोच है हुँ. कि जब तक आप बिल्कुल ही दलित गृहित लोगों के बारे में नहीं लिखेंगी आपका लेखन कितनी ही अच्छी तरह का हो लेकिन उसको सम्मान नहीं मिलेगा ये मध्यवर्गीय नहीं है बिब्बो मध्यवर्गी वो तो घर की नौकरानी है वो गांव से आई है और एक शहर में एक मध्यवर्गीय परिवार में काम कर रही है बिब्बो के आईने से मैंने मध्यवर्गीय जीवन को दिखाया, दिखाया है।, है लेकिन बिब्बो खुद नहीं है इसी तरह से जो पटरंगपुर पुराण की महिलाएं हैं वो सब कस्बाती या गांव की महिलाएं हैं और वो आधी उस तरह की हिंदी बोलती हैं जैसे कि पहाड़ी औरतें कुमाऊनी औरतें अभी भी बोलती हैं और सारी जो कहानियाँ हैं वो सब पुराने उस युग से जुड़ी हुई हैं जब गांव और शहर एक थे पहाड़ में दो तीन ही शहर हुआ करते थे अल्मोड़ा पहला शहर था जो राजाओं ने बसाया बाकी उसके बाद 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने बसाए शहर तब तक, तक गांव ही गांव बस्तियां ही बस्तियां थीं बस्तियां भी छोटी छोटी दस दस घरों की बीस बीस घरों की हुआ करती थीं बीस भाइयों ने अपनी एक बखली बना ली उसमें रह रहे हैं वो पूरा गाँव बस गया तो इसलिए मुझे लगता है कि जिस विषय को आप बिल्कुल अंदर से जानते हैं और जिसको आप महसूस करके पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ लिख सकते हैं उस पर लिखना कहीं बेहतर है इससे कि आप सिर्फ़ नाम कमाने के लिए अमुक तमुक एक दे करके और वो उस तरह से लिखें क्योंकि उसमें एकदम हीक आ जाती है मैं पढ़ती रहती हूँ पत्रिकाएँ जो आजकल थोड़ी बहुत निकल रही हैं एकदम हीक आ जाती है कि भाई ये नाम जमाने के लिए लेकिन जबरदस्ती उसमें वो बोली ठूंस रहा है या जबरदस्ती वो कर रहा है कि भाऊ जी कर रहा है लेकिन मुख्य चीज़ यह है कि आपका पात्र किस सत्य को अनावृत कर रहा है किस समय को किस समाज को अनावृत कर रहा है ये महत्व नहीं रखता है कि पात्र इस वर्ग का है कि उस वर्ग का है मध्य वर्ग में मुझे रहने का शौक होता तो फिर मैं अंग्रेज़ी की लेक्चरारी छोड़ करके बात को कोई वाइस चांसलर वगैरह बन जाती या क्यों मैं हिंदी पत्रकारिता में आई इसीलिए आई कि मुझे जीवन का पूरा संस्पर्श मिले और एक विहंगम दृष्टि अवलोकन करने की मिले लेकिन रहना मुझे मध्यवर्ग में है क्योंकि कोई संपादक मध्यवर्ग से इतर नहीं रहता है आप मुझे बताइए एक संपादक बड़ा कोई भी अखबार का या किसी भी पत्रिका का जो कि छोटे या बड़े शहर में न रहता हो गांव देहात से कितनी पत्रिकाएं निकल रही हैं दो या तीन उनका क्या सर्कुलेशन है अधिकतर वो एक्टिविस्ट के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं अच्छी हैं, अच्छे अखबार हैं लेकिन दैट्स इट लेकिन अगर अखबार का या पत्र पत्रकारिता का मतलब संप्रेषण है तो आपका ये उपक्रम होना चाहिए कि सबसे बड़ी तादाद में लोगों तक आप पहुँचें जो आप बात कह रहे हैं वो कितने जागरूक लोगों तक पहुंचती है ये महत्व तो नहीं रखती है ये कितने गैर जागरूक लोगों को जागरूक बनाती है या उनको गुस्सा दिलाती है तो सवाल फिर सारे गांव में आप चले जाइए उत्तराखंड के तो मैं चप्पे चप्पे में वाकिफ हूँ गुणवत्ता का हर, हर जगह गुणवत्ता बनी रहेगी गुणवत्ता बनी रहेगी आपकी भाषा साफ सुथरी होनी चाहिए आजकल डेस्क पर सही हिज्जे लिखने वाले लोग नहीं मिलते हैं आपको आप देख लीजिए आपकी इतने सारे तकनीकी उसके बाद भी सोशल मीडिया में देख लीजिए कितनी ख़राब हिंदी लिखी जा रही है और किस किस्म की हिंदी लिखी जा रही है तो इसलिए मुझे लगता है संप्रेषण का आधार कहीं पर तो एक सर्वसम्मत ढांचा होना चाहिए जिस पर हम पत्रकारिता का भवन खड़ा करें अगर आप हर तरह की कलम घिसाई को पत्रकारिता मान लें सिर्फ इसलिए कि वो बहुत गरीबों के बारे में लिखी हुई है या कि वो बहुत दलित या बहुत ही द्रवीभूत करने वाली स्त्रियों के बारे में लिखी हुई है तो वो अपने आप में अच्छी पत्रकारिता नहीं होती ज़्यादा अच्छी पत्रकारिता ये है कि वो उस दुख को या उस कष्ट को बृहत्तर पृष्ठभूमि में रख कर राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में अगर संभव हो तो रख करके कर दिखाए कि ये हो रहा है चंद्रयान जा रहा है और टनल में 40 मजदूर 15 दिन से फंसे हुए हैं हु आप एक तरफ इतना बड़ा स्टेडियम बना के उसमें विश्व स्तरीय क्रिकेट खेल रहे हैं दूसरी तरफ मणिपुर आग से जल रहा है लोग एक दूसरे को मार करके अपने ही प्रांत में जला रहे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं है तो इसलिए मुझे लगता है कि हिंदी वालों को इस गलत फहमी से मुक्त तो हो जाना चाहिए कि भाई हम जब तक बिल्कुल ही फटे हाल ये एक मार्क्सवाद के अंतिम जाते जाते समय का एक बहुत ही सतही किस्म का हिस्सा है जो पता नहीं क्यों छिपकली की दुम की तरह से गिर के रह गया है हिंदी साहित्य में कि भाई आप गरीबों के बारे में लिखिए आप सर्वहारा वर्ग के सर्वहारा कौन है आज आप जाइए क्या आप उनको सर्वहारा कहेंगे जो कि बिहार के किसी छोटे से कस्बे में बैठ कर के लाखों की ठगी कर रहे हैं ऑनलाइन करोड़ों रुपये उड़ा रहे हैं वो सरबहारा हैं देखने में सरबहारा हैं जब पर जैसे बाल ये पहचान कर रहे हैं क्योंकि आप उनको नहीं मान रहे हैं वो तो नहीं है लेकिन एक हाशिए का हाशिया भी है जहाँ तक कोई नहीं पहुँच रहा है तो पहुँचिए पहुँचिए और सोचिए कि कैसे पहुँचा जाए यही मैं कह रही हूँ कि हिंदी वाले अपने ही बनाए हुए खांचों में अपने ही बनाए हुए पूर्व ग्रहों में ट्रैप होके रह गए जमाना कहाँ से कहाँ आ गया है मैं गांव जाती हूँ पहाड़ में सब कहते हैं हमारे लड़के को साथ में ले जाओ दिल्ली में कहीं नौकरी लगा देना यहाँ पहाड़ तो मैंने कहा अब तो यहाँ जगह जगह तमाम सब प्रोग्रेस हो रही है आपके इतने सारी देवभूमि में टूरिस्ट आ रहे हैं बोले कुछ नहीं है कुछ साल में बैठ जाएगा पहाड़ सब खत्म हो रहा है इन लोगों को किसी होटल फोटल में लगा दो कहीं बाहर निकल जाएंगे तो अच्छा होगा गांव के गांव उजड़ गए हैं 2000 के लगभग गांव खाली हो गए हैं तो गांव में अगर हम हाँ ग्रामीण जीवन भी क्या है ये वाला एटीट्यूड रखेंगे तो कोई बात बनेगी नहीं यू हैव टू यू हैव टू एक्चुअली विदाउट एनी ब्लिंकिंग योर आइज बिना पलक झपकाए आपको देखना होगा कि हाँ नंगा सत्य ये है और स्वीकार करना होगा चाहे उससे आपको भी शर्म आए कि हाँ ये बात सही है और उस सत्य को सही भाषा में सही परिमिति में सही तरह से एक ढांचे के अंदर आपको जनता तक पहुँचाना कभी कभी मनाल जी ऐसा होता है हाथ आपके बंधे होते हैं आपके भी बंधे ही हुए होंगे जब आप हिंदैनिक हिंदुस्तान की संपादक रही थी कुछ हद तक हाँ। कुछ हद तक बंधे होते तब आप जो आप कह रही हैं उतना नग्न सत्य दिखाया जाना संभव नहीं हो पाता है तो आप फिर मैंने तो त्यागपत्र दिया दस साल के बाद मैंने कितनी नौकरियां छोड़ी मैं आपको गिना नहीं सकती हूँ तीन बार मैंने तीन यूनिवर्सिटी से त्यागपत्र दिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भोपाल यूनिवर्सिटी से दिल्ली यूनिवर्सिटी से इसी सब फिर के चलते? मैं, क्योंकि मुझे अंत तक ये लगने लगा था कि अमीर घर की लड़कियों को अंग्रेज़ी साहित्य पढ़ाना बिल्कुल बेकार मेरे समय की बर्बादी है मेरी मूल भाषा हिंदी है और मैं हिंदी में काम करना चाहती हूँ तब मैंने फिर समाचार भारती ज्वाइन किया जिससे मुझे चार सौ रुपये महीना तनख्वाह मिलती थी वो भी छः महीने के बाद तो वहाँ मैंने त्यागपत्र दिया आप कहते हैं कि आप सम्पन्न घर से आती थी मैं संपन्न घर से आती थी इसलिए शायद मैं ये रिस्क ले पाई अगर मैं विपन्न घर से आती मैं वहीं पढ़ी रहती मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती रहती लड़कियों को भले ही मेरा मन मर जाता लेकिन फिर मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया फिर टाइम्स ऑफ इंडिया से त्याग पत्र दिया जब पत्रिकाएं बंद हो गई उसके बाद फिर उन्होंने कहा मुझसे कि आप नव भारत में आ जाइए मैंने कहा कि नहीं वामा मैंने इतने उससे शुरू की थी वो ख़त्म हो रही है अब मैं जाती हूँ आप किसी और को रख लीजिए उसके बाद फिर हिंदुस्तान टाइम्स में हिंदुस्तान दैनिक में आई हिंदुस्तान टाइम्स में आई जब साप्ताहिक हिंदुस्तान बंद हुआ मैं दूरदर्शन में चली गई दो साल के बाद जब मैं लौट करके आई तो मुझे कहा गया कि हिंदुस्तान की आप प्रधान संपादक बन जाइए मैं शहर से स्वीकार कर लिया फिर जब उन्होंने वहाँ पर दूसरे संपादक की नियुक्ति की बात की मैंने तुरंत पत्र दे दिया मैंने कहा कि वो जो आ रहे हैं उनको आने दीजिए तो उन्होंने कहा कि आप एक ओवरऑल परामर्शदाता बन जाइए मैंने कहा मैं क्षमा करें मैं कोई मार्गदर्शक मंडल की सदस्य बनने को तैयार नहीं हूँ जो आ रहे हैं उनको पूरी छूट मिलनी चाहिए कि वो अखबार को अपनी इच्छा अनुसार सृजित करें और जो समय आ रहा है मुझे लग रहा है उसमें मेरे जैसे लोग अखबारी संपादकीय नहीं लिख पाएंगे तो वो मैंने छोड़ दिया और अच्छे टर्म्स पर छोड़ा अभी भी दुआ सलाम मेरा सबसे है लेकिन जब मुझे लगा कि अब मुझसे काम नहीं हो सकता है मेरे पति मुझसे कहते हैं तुम सीरियल क्विटर हो तो मैंने कहा हाँ मैं सीरियल क्विटर हूँ क्योंकि जब मुझे लगता है कि अब मेरे सांस लेना दुर्वह हो गया है दूरदर्शन में मैंने ज्वाइन किया दूरदर्शन में जब मैं थी तो एक दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल बन करके आए साहब आई के करते हुए तो वो मुझसे एक दिन बोले कि यू शुड हैंग योर ग्लव्स मृणाल तो मैंने कहा जी तो बोले कि एक्चुअली ऐसा है कि अब देखिए सब सारी चैनल्स में यंग लड़कियां आ रही हैं और गृह बाल वाले लोगों की विदाई हो रही है टाइम रहते है, आपको भी चले जाना चाहिए तो मैंने कहा ठीक है मेरे तीस तारीख को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है फिर मैं नहीं आऊँगी बोले अच्छा उन्होंने सोचा नहीं उन्होंने सोचा कि भैया एस अफसर की बेबी अब इसका पति मुझे फ़ोन करेगा फिर मैं एहसान दिखाते हुए इसको रिन्यू करूँगा ऐसा कुछ नहीं हुआ मैं घर गई मैंने पति से कहा मैंने छोड़ दिया उन्होंने कहा फिर मैंने कहा हाँ ख़त्म उसके बाद तीस तारीख हुआ पहली तारीख को मैं नहीं गई दूरदर्शन में हल्ला कि रीड कौन करेगा कौन पढ़ेगा बुलेटिन मुझे फ़ोन आया कि आप आ जाइए मैंने कहा नहीं मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया डायरेक्टर जनरल ने मुझसे कहा कि यू हैंग योर ग्रव हैव हंग माय ग्लव्स फिर मुझे वहाँ से फ़ोन आया प्रसार भारती से कि आपने क्या कर दिया आपने हमको बताया होता मैंने कहा क्यों बताया होता दिस वॉज बिटवीन मी एंड दूरदर्शन एंड इफ दे इफ द इम्प्लॉइंग अथॉरिटी टेल्स मी देर नॉट गोइंग टू दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीन्यूइंग माई कॉन्ट्रैक्ट तो मैं क्यों रहा हूँ मैं नहीं रहूँगी एक पल भी तो मैंने छोड़ दिया तो ये बहुत आसान है लोग डरते बहुत है आप बिना डरे अगर आप छोड़े और अगर आप में सचमुच में दमखम है आपको कोई कमी नहीं होगी नौकरी की जैसा अभी आपने कहा कि मतलब आप आती थी इस्तीफा दिया और अपने हजबेंड को बताया और उन्होंने कहा कि आप सीरियल क्विटर हैं कभी ऐसा भी हुआ मृणाल जी कि चूँकि वो एक बड़े अहदे पर थे आई ऑफिसर थे आप लोग विदेश भी काफ़ी समय तक रहे जब आप पत्रकारिता के उरूज पर अपने थी ऐसा तो टसल हुआ होगा कि ये स्टोरी ना छापी जाए कहीं मेरे पति की नौकरी पर आँच ना आ जाए नहीं ऐसा टसल कभी नहीं हुआ और ये भी बता दूं कि मेरे पति ने आई छोड़ दिया था आई छोड़ दिया था उन्होंने नब्बे के दशक के पूर्वार्ध में और उसके बाद उन्होंने पब्लिक सेक्टर कंपनी सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ज्वाइन की थी जिसके कि वो सी एम डी बन के सेवानिवृत्त हुए काफ़ी साल उसी में रहे तो वो पब्लिक सेक्टर में थे और हम लोगों ने दोनों ने कभी भी अपना वो वर्क लाइफ एक दूसरे से शेयर नहीं किए मैंने कभी उनसे नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं जब उन्होंने आई छोड़ा तो बहुत सारे रिश्तेदारों ने मेरे माँ ने भी कहा कि ऐसी नौकरी छोड़ करके और पब्लिक सेक्टर में और वो भी सेल उन दिनों बिल्कुल मरियल कंपनी थी तो उनको लगा कि एक चुनौती है हुँ. कि पब्लिक सेक्टर में उनको बहुत पता नहीं क्यों बहुत फेथ था हुँ. और उनका कहना था कि इट कैन बी टर्न अराउंड कम्पलीटली और हो गई वो मैन ही लेफ्ट सेल हैड बिकम अ नवरत्न लेकिन हमने मैंने कभी उनसे पूछा नहीं बल्कि उनके साथ के कई लोग जब कभी सालाना वो होते थे डिनर वगैरह तो उसमें कहते थे कि पांडे जी इतने कूल रहते हैं और आप आ, कभी उनसे पूछती नहीं हैं अब आप, आप कभी उनको अपनी वरीज नहीं बताती हैं तो मैंने कहा वो अपनी बत मुझे नहीं बताते मैं उनको अपनी नहीं बताती यही हम दोनों के बीच में है तो कह लेंगे आप लोग शाम शाम को घूमने जाते हैं तो हम देखते हैं कि वक्त पांडे जी आपसे खूब हंस हंस के बात करते हैं वी नवर सी हिम लाफ इन दफिस तो मैंने कहा ठीक है ऑफिस में उनका अपना जो भी व्यवहार है ठीक है आई हैव नथिंग टू सेव दैट वाई शुड आई आस्क्यू तुम दफ्तर में मुस्कुराया करो <laughs> तो एनी anyway, तो हम लोगों ने अपना बल्कि एक बार हमको ये वसुंधरा राजे की बहन जो थीं थी, वो अरविंद से मिलती रहती थी क्योंकि सेल स्पॉन्सर करता था कुछ पोलो एवेंट्स वगैरह पुराना चला रहा था सिस्टम तो वो हमको एक बार एयरपोर्ट में मिली और हम दोनों कहीं बाहर से आ रहे थे तो वो भी अपनी बैग के लिए रुकी थी तो उन्होंने अरविंद को ग्रीट किया फिर कहा हेलो हेलो हाउ आर यू तो अरविंद ने कहा वो दिस इज़ माय वाइफ तो हर जॉ ड्रॉप शी सेट मुझे आज तक कितने सालों में पता नहीं चला कि शी इज योर वाइफ आई नो हर इंडिविजुअली बट तो हम लोगों ने कभी किसी से इस बात का न मैंने जिक्र किया ना उन्होंने जिक्र किया दो रचनाओं की तरफ आ रहा हूँ रास्ते पर भटकते हुए और अपनी गवाही पत्रकारिता का सारा पृष्ठभूमि पर ये लिखे गए ये दो रचनाएं हैं आपकी ये लिखते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि जो मैं कर रही हूँ वही मैं यहाँ पर लिख रही हूँ तो वो री ना हो जाए चीज़ें या फिर आ, ऐसी कहानियाँ जो आप संभवतः पत्रकारिता में नहीं कह पाई हो हाथ बंधे हुए हों या वो संघर्ष उन्हें आप लिखना चाह रही हूँ इसलिए ये लिखा गया देखिए एक इस तरह के उद्देश्य को लेकर के रचना नहीं बनती है मैं लिखना चाह रही थी बहुत दिन से अपनी गवाही में कि क्या कुछ घटता है जो कि सिवाय अंदरूनी लोगों के कोई नहीं समझ या देख पाता है और उसको एक ले रीडर के लिए एक उपन्यास की शक्ल में पेश करना चाहती थी तो अपनी गवाही लिखी गई और उसमें मैंने कोट भी किया है मराठी के कवि को कि मैं उस बैल की तरह हूँ कि पूछ मरोड़ करके मुझको रोज़ दौड़ाया जाता है इसलिए मैं हे ना, नामदेव के पंक्तियाँ हैं कि हे प्रभु मैं अपनी गवाही खुद दे रहा हूँ तो वो स्पष्ट है कि वो जो भी पेशे का जो भी स्वरूप मैंने देखा लेकिन उसको फिर जैसे रीअरेंजमेंट कहा बार बार साहित्य रीअरेंज करता है इस तरह से कि लोगों को ये पता चले कि किस तरह से द होल वर्ल्ड फंक्शंस किस किस तरह के पात्र होते हैं पत्रकारिता में क्या हो रहा है कुछ लोगों ने उसका जो टीवी वाला हिस्सा था उसको तुरंत जोड़ करके बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारे क़िस्से और ये सब प्रचारित किए वो अपनी जगह मैंने कभी उसकी परवाह नहीं ठीक है फॉर्म्स पर आप बहुत काम हैं फॉर्म है। पर मैं बहुत काम बहुत करती हूँ प्रयोग करती हैं जैसे आपका उपन्यास सहिला रे जी एक तो संगीत की विरासत को समेटे हुए है आ, संगीत के पृष्ठभूमि पर बहुत कम हिंदी में लिखा गया है उसमें से एक ये है लेकिन ये पूरा पत्रात्मक शैली में है जी इमेजिन नहीं कर सकते आप लेकिन चलता है पत्र ही पत्र हैं और उपन्यास अपनी केंद्रीय विषय वस्तु को थामे रहता है संगीत ओझल नहीं होता मुख्य पात्र हैं वो भी कहीं ओझल नहीं होते कैसे इसका फॉर्म तय किया था और क्या ये वही विरासत है जो शिवानी जी से संगीत की आपको संगीत की भी आपको मिली जी काफ़ी मायनों में मैंने ख़ुद भी संगीत अच्छे अच्छे गुरुओं से आगरा घराने के ग्वालियर घराने के गुरुओं से करीब 25 साल तक विधिवत क्लासिकल म्यूज़िक की शिक्षा ली गांधर विद्यालय की शास्त्रीय परीक्षाएं पास की और ये सारी मालूम मेरे अंदर थी और मैं लिखना चाह रही थी बहुत तरह से तो मैंने एक किताब लिखी ध्वनि के ध्वनियों हाँ, के आलोक हाँ, स्त्री जिसमें कि गायिकाओं का जी उसको लिखते लिखते मुझे लगा कि इन पर भी लिखना चाहिए पर फॉर्मेट कैसा हो क्योंकि इनकी जो जिंदगियां हैं बहुत सारी जिंदगियां बहुत पुरानी हैं लेकिन उनकी डोर बनते 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 हम तक आती है जो बंदिशें केसर बाई गा गई थी आज भी हम गाते हैं किशोरी अमूनकर सहेला रे का जो टाइटल है वो यही है कि एक बड़ा संगीतकार या कार जो लिख जाता है कभी घनानंद थे सत्रहवीं अठारहवीं सदी के उनकी रचनाएं आज भी ध्रुपद में गाई जाती हैं तो इसको किस फॉर्मेट में समेटा जाए क्योंकि भाषाई बदलाव भी हिंदी में भी भाषाई बदलाव आए हैं बोलियों से हिंदी उर्दू की ओर बढ़ी फिर उर्दू में अटपटे ढंग से खड़ी बोली आई लेकिन ये जो पूरा समाज था संगीतकारों का ये लगभग पूरी तरह से ब्रिज अवधि और हिंदी उर्दू के बीच में ही अपना सारा काम करता था सारी रचनाएं करता था तो सोचते 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 बीच में कुछ मेरे फादर इन लॉ के कागजात मेरे हाथ लगे उसमें उन्होंने बड़े मज़े के पत्र नत्थी कर रखे थे हमारे पुराना जो घर है उसमें हमारे पूर्वजों एक, के एक दूसरे को भाइयों के लिखे हुए पत्र और हर उसमें जनरेशन में इंग्लिश बदल जाती है सब अंग्रेज़ी में थे उस ज़माने में पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी ही लिखते थे और इंग्लिश बदल जाती थी और उसके जो संबोधन के रूप थे और वो थे वो सब बदल जाते थे लेकिन बहुत बढ़िया मालूम थी तो मुझे लगा कि अगर हम ऐसा करें कि एक केंद्रीय पात्र हो एक रिसर्चर जो रिसर्च करना शुरू करे क्योंकि ये सारी मालूम ये सही है कि हमको टुकड़ा टुकड़ा मिलती हैं ये ऐसा है जैसा कोई बड़ी प्रयोगशाला अद्भुत रही हो और वो पूरी की पूरी ध्वस्त हो जाए और हमको सिर्फ कुछ फटे हुए फार्मूले मिलें और कुछ उनकी बनाई हुई चीज़ें मिलें उनकी मार्फत हम कोशिश कर रहे हैं बिंदुओं को जोड़ जो करके तस्वीर को मुकम्मल करने की तो तो जब फैक्चुअल चीज़ें होती हैं तथ्यात्मक है मान लीजिए ये चरित्र है इतिहास में लेकिन आप उसे फिक्शनल कथा में ढाल रहे हैं फिर ये ये जो डोर है ये कितनी ज़्यादा मतलब टाइट या ढीली रखी जाती है कि दोनों सद जाएँ ये काफ़ी नट का जैसा संतुलन साधना होता है क्योंकि जो संगीत की भी जो मालूम हैं वो हमको अर्ध कथानक के रूप में मिलती हैं और अर्ध कथानक, मैंने नाम इसलिए लिया सत्रहवीं सदी में एक जैन ट्रेडर थे उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी आत्मकथाने के नाम हाँ, से हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा है कि कथाए कथा कही बहु भात नाचो बहुत अकेला एकांत पाए मैंने जब अके, अकेला हुआ तो खूब नाचा हुँ। और कथा मैंने तरह तरह की कथाएं सुनी और कहीं दरबारों में जा जा करके तो ये पूरा माहौल जो है ये दरबारी माहौल है क्योंकि ये क्लासिकल संगीत जो है ये सामंतवाद की देन है और सामंती कवियों ने और सामंत संरक्षण में रहने वाले लोगों ने इसे रचा टूवर्ड्स दी एंड जब बम्बई में नए नए नौ मध्य वर्ग का उदय हुआ तब इनको संरक्षण मिला उसके बाद फिर दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो वगैरह आए लेकिन इसका अधिकांश जो ठोस हिस्सा भवन है उसकी सर्जना इन लोगों ने की थी पर उसके बारे में एकदम करेक्ट हो ऐसा हम नहीं जानते हैं क्योंकि एक घराने का आदमी ये कहेगा दूसरा कहेगा कि नहीं ये गलत है हमारे घराने में तो इसको इस, इस तरह कहते हैं पटरंगपुर जी अफवाहों से संचालित शहर सोशल मीडिया पर आप बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती हैं इन दिनों काफ़ी समय से खासकर एक्स पर तो आप जो पहले ट्विटर हुआ करता था <laughs> <laughs> एक्स कहते हुए भी अजीब सा लगता आ, है वो आदत ट्विटर की हो गई है से संचालित है या ठीक है देखिए कहानीकार कार के लिए या एक्स जो है है पटरंगपुर देखिए ऐसा है कि कहानीकार की जो दुनिया है वो बहुत विचित्र होती है उसमें फैक्ट्स भी होते हैं उसमें गॉसिप भी होती है जैसे अमृतलाल नागर मेरी माँ के बहुत अच्छे दोस्त थे अक्सर घर में आके बैठते थे बड़े रसीली बात करते थे तो वो बोले तू भी मेरी तरह कनरसिया है बैठ के सुनती रहती है तो मैंने कहा भाई आप लोग को सुनना फिर कब मिलेगा इसलिए सुन रही हूँ तो जब उन्होंने गदर के फूल लिखी तो मुझे मेरी माँ को कॉपी देने आए तो मुझसे बोले मैम साहब किसी दिन इसको अंग्रेज़ी में अनुवाद कर देना तो मैंने वो एक्सेप्शन उनका अनुवाद किया गदर के फूल का गैदरिंग दी एशेज नाम से अंग्रेज़ी में हर पर कॉलन से छपा है तो ये न, हमारी दुनिया कुछ गॉसिप से भरी हुई है कुछ अफवाहों से भरी हुई है कुछ सत्य से भरी हुई है वैसे भी जीवन में कितना गॉसिप है कितना सच्चाई है हम क्या जा, जानते हैं अंत में जब आप मेरी उम्र में पहुंच जाते हैं आप लेटे लेटे सोचते हैं कि देखो इस सामने छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं इनके माँ बाप भी पता नहीं सत्तर अस्सी के दशक में पैदा हुए होंगे और उनके जो दादा दादी रज़ाई ओढ़ करके ऊँग रहे हैं वो हमारी पीढ़ी के हैं मैं ही क्यों इतना सोच रही हूँ उनकी तरह से आराम से बैठ के टी क्यों नहीं देख रही हूँ तो फिर प्रक्रिया चालू होती है फिर याद आती हैं वो सारी कहानियाँ वो किस्से वो गोसिफ़ वो सब और मन करता है गूंत उसको सोशल मीडिया या नया मीडिया जिस तरह से चल रहा है जिस तरह से इसका स्वरूप है क्या आपको लगता है कि क्या भविष्य है आने वाले समय में इसका क्योंकि एक समय में आपने इसकी आलोचना की थी जी नए मीडिया की जी नए मीडिया में संभावनाएं भी हैं ख़तरे भी बहुत दिख रहे हैं खासकर कर ये जो अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से चैट जीपीटी से भी मैं सतर्क हूँ मैंने चैट जीपीटी का नहीं इस्तेमाल किया है और फेसबुक पर भी मैं नहीं हूँ इंस्टा पर भी मैं नहीं हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा खिंचाव एक महसूस करती हूँ लेकिन यह है कि ट्विटर तो वही कानाफूसियों का भंडार है और उसमें बैठ कर के आराम से आप जैसे सुपारी कतरते हुए पूरी पुरानी बूढ़ी औरतें मोहल्ले भर की चर्चा करती थी कि अरे सुना उसने मुनवा जी की बहू ने अपने लिए नौ तो लेकिन नत बनवा ली है <laughs> तो उस तरह की चीज़ है तो आप उसका मज़ा लीजिए और उसमें कभी कभार अगर कोई अच्छा लेखा आपका कहीं छपा हो या किसी और का तो उसको उसमें लिंक डाल दीजिए तो पढ़ने वाले हैं मौजूद नहीं नहीं आप तो टांग खिंचाई कान खिंचाई सब करती हैं ट्विटर पर क्यों ना करूँ अब मेरी उम्र है आई कैन टेक लिबर्टीज सफ़ेद बालों का इतना नुकसान होता है तो कुछ फायदा नहीं, नहीं होना आप चाहिए तो एक हल्की सी तो अगर वर्तनी की गलती हो जाए जी तब भी वो मुझे सचमुच व्यथित करती है उसमें मैं मजाक नहीं कर रही होती हूँ क्योंकि मैंने बार बार कहा कि ढांचा बहुत महत्वपूर्ण है एक डिसिप्लिन होना चाहिए ढांचे का और वर्तनी का जो कोई न तोड़े उसके बीच में वो जो हमारे उस्ताद कहते थे म्यूजिक के ना कि भाई यही नौ हाथ का मैदान है इसी में बैठ के तुम अपनी तान लगाओ हो अपनी तान लगाएँ देखें कौन सुपीरियर है तो वही चीज़ है कि एक पर अखाड़े के अंदर अखाड़े के अपने उसूल होते हैं अखाड़े के अपना स्ट्रक्चर होता है और उसकी ग्रामर और वर्तनी होती है वो तो टूटती रहती है ना मृणाल जी जैसे ने? आपको एक समय पर लगा कि ये भाषा मेरे लायक नहीं है मुझे नई भाषा खोजनी चाहिए अगर कोई नई भाषा खोज रहा है नहीं नई भाषा आप ज़रूर खोजिए लेकिन कम से कम नुक्ते और हिज्जे तो सही रखिए अब आप मतलब रामचरित मानस का दोहा लिख रहे हैं और कह रहे हैं रामायण तो रामायण और रामचरित मानस तो, के बीच में आपको पता नहीं है ये तो फिर... किस काम के आप इतने बड़े आदमी हो गए यू you नो know? तो कह देती हूँ मैं बैठे बैठे बुढे बड़बड़ाते रहते हैं बार... पीएम एम ने कहा था कि घर में बुढ़े होते हों बैठे रहते हैं चौंक के पूछते हैं कितने बज गए घड़ी में तो बुढ़्ढों की खूब हंसी उड़ाई जाती है तो हम क्यों हंसी उड़ा ठीक एक लेख है आपका यह तो नारीवाद नहीं जी उसमें आपने बड़े बड़े पदों पर बैठी स्त्रियों की आलोचना की है कि वो बाकी स्त्रियों के जी बारे में कुछ नहीं करती हैं उनके लिए कुछ नहीं करती हैं आप खुद इतने बड़े बड़े पदों पर रहें जी आपने स्त्रियों के लिए क्या किया देखिए मैं दंभोक्ति में विश्वास नहीं रखती हूँ लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे समूहों के साथ काम किया है जैसे कि भारत में सबसे पहली और इकलौती श्रमजीवी महिलाओं पर जो सरकारी रिपोर्ट बनी उन्नीस में उसमें छः महिलाएं थीं उनमें से एक मैं भी थी पूरे देश का हमने भ्रमण किया वकाथा फाउंडेशन से मुझे फेलोशिप मिली उस पर मैंने भारतीय महिलाओं की प्रजनन स्वास्थ्य और उनकी दुविधाओं पर एक किताब लिखी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी ये मेरा दूसरा काम था इसके लिए भी मैं पूरे देश में घूमी क्योंकि बड़े काम जो होते हैं ना वो सहभागिता से ही होते हैं बड़े काम अकेले नहीं किए जाते हैं और अगर कोई कहे कि मैंने किया है मैं एक अकेला सब पर भारी हूँ तो ये दमभोक्ति है मैं इसमें विश्वास नहीं करती ये दुखद है क्योंकि हर बड़ा काम लोगों की मदद से ही संभव है और उन लोगों की मदद से जो उस बात को भोग चुके हैं और समझते हैं लेकिन लोग तो कहते हैं आपके अंदर मैं बहुत ज़्यादा है हो सकता है हो मैं कभी भी डिनाई नहीं करती हूँ लेकिन अगर मैं अपने मैं को इतना कस कर न थामे रहती तो मैं एक सुखी आई अफसर की पत्नी बन कर के गहनों से कपड़ों से लदी लदाई अपना आराम से ओ पर फिल्में देखती होती लेकिन मैं था मिस मैंने मुझे बचाया बहुत तरह की दुर्घटनाओं से और इस इसमें मुझे वो स्वाभिमान दिया जिसके कारण मैं कमा करके अपने पैरों पर खड़ी हो सकी अपनी माँ को अपने साथ रख सकी और कभी भी कोई कहने का नहीं कर सकता है कि इसने हमसे पैसे लिए हैं जैसे अपनी कमाई पर जी हूँ और जिनको भी मदद की है अपनी कमाई से की जैसे लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं जी लेकिन उनको भय लगता है हाँ, कि ईगोइस्टिक हाँ। है हाँ शायद बात ना करें अब इतने डरपोक पोक होने से तो काम नहीं चलता है ना <laughs> कभी कभी मेरा स्वभाव ख़राब है कभी कभी जब ओबोब होते हैं तो हुर्रा देती हूँ तो उससे यू शुड नॉट गेट पुट ऑफ बाय दैट ऐसी ऐसी क्या बात है मुझसे कई लोगों पुरुषों ने पूछा एक बार मैं कहीं उनको ले जा रही थी हबीब तनवीर साहब को तो दो तीन मैंने गलत टर्न्स लिए तो बोले कि तुम भी मेरी जैसी हो तो मैंने कहा कि हाँ आप भी तो भोंदू हैं तो बोले तुम्हें मुझसे बिल्कुल डर नहीं लगता है मैंने कहा क्यों डरना चाहिए क्या तो हंसने लगे उसके बाद फिर किसी और से किससे बात हो रही थी मेरी आ, एक निखिलदा से बात हो रही थी निखिल चक्रवर्ती से तो निखिल चक्रवर्ती ने अपनी पत्नी से कहा बंगाली में कि ये लड़की किसी से नहीं डरती है तो मैंने कहा क्यों मुझे क्यों डरना चाहिए तो उनकी पत्नी रेणु चक्रवर्ती खुद बड़ी अग्निगर्भा थी वो बोली बहुत अच्छा करती हूँ नहीं डरती हो मत डरा करो तो मुझे लगता है डरना नहीं चाहिए कोई जवाब ना दे तो ना दे इस बात का मलाल रहता है कि हिंदी साहित्यकारों ने जितना तवज्जो एक मृाल पांडे को देना चाहिए था उतना नहीं दिया देखिए मैं मनुष्यों झूठ क्यों बोलूँ कभी कभी मन में होता है पर इतना नहीं कि मुझे लिखने से रोक सके आता है और चला जाता है ठीक है वॉर द हेल्प मैं चली जाऊँगी मेरी रचनाएँ रह जाएंगी उसके बाद बैठ कर के कई लोग कहते हैं कि कई लोग आपको मूलतः पत्रकार मानते हैं कई लोग मूलतः कथाकार मानते हैं माने मुझे क्या फ़र्क पड़ता है मैं जो हूँ सो हूँ आपने कहा ना कि मैं बहुत है तो ये मैं मुझे बचा लेता है इस तरह की चिंताओं से और ग्लानी से या उससे मैंने कभी किसी भी अवार्ड के लिए न प्रार्थना की न कोशिश की न भगदड़ की और न ही मैंने किसी पद के लिए कभी किसी के आगे हाथ फैलाया जो मिला वो ले लिया जब छूटा तो छूट गया ख़त्म आलोचकों को बहुत तवज्जो नहीं देती नहीं अधिकांश हिंदी के आलोचक बहुत बढ़िया मैं नहीं मानती हूँ उनमें कोई दृष्टि नहीं दिखती है कुछ हैं अच्छे आलोचक हैं लेकिन नामवर जी या राम शर्मा जी के स्तर के आलोचक हिंदी में अब बहुत कम देखने को आते हैं बहुपाठी बहुश्रुत हों और वो जो हैं भी उनकी अपनी पॉलिटिक्स भी चलती है और इसके अलावा हिंदी से इतर भाषाओं का उनका ज्ञान काफ़ी संदिग्ध और कम है इसलिए मुझे लगता है कि हिंदी को जितना अच्छा लेखन और साहित्य मिला है उस टक्कर के साहित्य समालोचक उसको नहीं मिले बल्कि जो सबसे बेहतरीन समालोचक हैं हिंदी साहित्य के वो मूलतः लेखक हैं कुंवर नारायण जैसे बहुत बढ़िया समालोचकों में मैं उनको मानती हूँ इसी तरह से अज्ञे बहुत अच्छे समालोचक थे रघुवीर साहब बहुत अच्छे समालोचक थे श्रीकांत जी की जो किताबें हैं समालोचना की वो बहुत अच्छी हैं तो उन्होंने अंदर बैठ करके रचनाओं को उनको देखा है विष्णु खरे बहुत अच्छे समालोचक थे जिनको कि बहुत वो भी मेरी तरह से ज़रा ब्लंट थे ब्लंट और तेज बोलने <laughs> वाले थे लेकिन अब मैं उनको दोबारा पढ़ती हूँ तो मैंने देखा कि मैन हैज एन आई ब्लंट होने के नुकसान भी है। हैं ब्लंट होने से सबसे बड़ा फायदा है कि समय बचता है मूर्खों से ज़्यादा जुबान नहीं लड़ानी पड़ती है तो इसलिए मुझे लगता है कि उसके जो नुकसान हैं उनकी भरपाई हो जाती है किस रूप में सबसे ज़्यादा मृणाल पांडे अपने आप को व्यवस्थित और ज़्यादा रचनात्मक पाते हैं कहानीकार के उपन्यासकार के नाटककार के या एक स्वतंत्र एक स्वतंत्र लेखक मैं किसी भी विधा में कभी भी जब मन चाहे लिख सकूँ इतना ही मेरा सपना है इससे ज़्यादा नहीं राम रचि ऐसा नाटक है आपका जिसके इतने मंचन हुए और जब एक साहित्यकार ने उसकी आलोचना की तो आपको ख़राब भी लगा जाहिर है कि आप किसी माँ से कहिए तुम्हारा बच्चा बड़ा बच्चा ले उन्होंने तो मंचन को खराब कहा था जो भी कहे मंचन को ख़राब कहिए नाटक को खराब कहिए लेकिन आम, उस उसको आप फिर से पढ़िएगा तो उसमें नाटक के प्रति ज़्यादा भी विद्वेष मंच तो एक करैक्टर को लेके है कि वो करैक्टर बहुत ही मतलब रूमानी किस्म का है कैसे वो भाषा ऐसी बोल सकता है जो कि आज से कई वर्षों पहले रही है? हाँ तो ये यही मैं कह रही हूँ कि हिंदी के समालोचकों को आ, बहुत बड़े फलक पर और भी कलाओं का अध्ययन करना चाहिए एक अच्छे नाटक समालोचक को संगीत का अध्ययन करना चाहिए उसको भाषा का अध्ययन करना चाहिए उसको नाट्यशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए सतही तरह से ये चीज़ें पढ़ने से नहीं चलता है जब आप ये सब समग्रता से पढ़ते हैं तब फिर आप भाषा का महत्व और इंटरप्ले समझेंगे क्या साहित्यिक लेगेसी जो आपको शिवानी जी से मिली है वो बनाए रखने का दबाव आपके ऊपर रहता है नहीं न शिवानी जी ने कभी ये दबाव बनाया और न मैं कोई दबाव किसी पर भी बनाऊंगी तो हम लोग तो ललजत की तरह से हम आए हमने लिखा और चले गए कोई शिष्य नहीं बनाए अभी भी कविताएं लिखती हैं कविताएं लिखी हैं आपने लिखी हैं ना के बराबर कभी कभी मन करता है लिखने का पर इस कविता भरे समय में कविता से गद्य अधिक लिखना पसंद है ऐसा क्यों है कि एक स्त्री जब बहुत ज़्यादा ऊंचे पदों पर पहुंचती है तो उसके जेंडर पर उंगली उठाई जाती है समाज द्वारा ये नहीं कहा जाता है कि अपने प्रतिभा के बल पर पहुंची है ये कहते हैं स्त्री है तो कई सारे रूट्स उसने लिए होंगे तब वो पहुंची है क्या इस तरह की बातों का सामना आपको भी करना पड़ा हाँ करना पड़ा पर अगर आप सचमुच में सीरियस हैं आप इन चीज़ों को नहीं कुछ महिलाएं मेरे पास आती थी रोती धोती कि देखिए उसने ये कहा उसने कहा कि ये ऐसी है इसकी दोस्ती है फलाने मैनेजर को इसने पटा रखा है ये है वो है तो मैंने उनसे कहा कि देखो भरी दुख की बदली बनने वाला समय चला गया है mm -hmm. अब यू शुड जस्ट स्टैंड अप एंड डू योर वर्क अगर तुम्हारा काम बढ़िया है तो रिकग्निशन मिलेगा नहीं बढ़िया है तो नहीं मिलेगा लेकिन रोने मत बैठ जाओ mm -hmm. मुझे आत्मदया से बहुत कोफ्त होती है और आत्मदया बहुत घातक चीज़ होती है स्त्री के लिए ख़ास तौर से हालांकि भगवान सब तरह से उसको मारता है हर तरह से करता है और जो पुरुष लोग कविताएं लिखते हैं उसमें भी साँस छोड़ती स्त्री का चित्रण ही ज़्यादा होता है लेकिन मुझे लगता है कि औरतों को आत्मदया से मुक्त होना चाहिए और उसी त्वरा और उसी तेवर के साथ काम करना चाहिए जिससे कि अच्छी रचनाएँ बन सकें अगर उनकी दृष्टि पुरुष से भिन्न है तो ठीक है भिन्नता से ही दुनिया बनी है अंतिम सवाल पे आऊँ उससे पहले आपकी हालिया अंतिम रचना जी। बच्चों को ना सुनाने लायक बाल कथाएं माया ने घुमायो क्यों इसको बच्चों को ना सुनाने लायक कथाएं कहाँ जबकि ये बच्चों को ही सुनाने के लिए कथाएं है हैं सारी की सारी मैं ये अंडरस्कोर कर दूँ कि बच्चों को जब हम कहानियाँ और कविताएँ सुनाते हैं उनके अंदर इतना हिंसा आतंक और सुनाने वाले की अपने जीवन की विडंबना भरी विडंबनामय अनुभव छिपे होते हैं बच्चों को तो वो कहानी के रूप में मज़े से हो जाते हैं लेकिन अगर आप देखें तो कहानियों में कितनी मारकाट होती है कि वो राक्षस आए उसने चवर चवर खाया और वो लोग आँख खोल करके हैं फिर खून भी गिरा हाँ खून भी गिरा फिर उसने हड्डियाँ उठाई तो सब बच्चे वो हो रहे हैं तो बचपन में मनुष्य का मन एक खुली किताब होता है हम ही लोग ये अतिरिक्त रूप से psychological नहीं बच्चों को डोंट एक्सपोज देम टू वायलेंस अरे दुनिया में इतना वायलेंस है दुनिया में इतना गड़बड़ हो रहा है इतना अन्याय है इन कहानियों की मार्फ़त जो हमारी बड़ी बूढ़ियाँ थीं वो हमको एक तरह से दुनिया से इंट्रोड्यूस करा रही थी एक तरह से बता रही थी कि दुनिया में तीनों भाई एक जैसे नहीं होते हैं एक और हमेशा आप देखिएगा कि सबसे छोटा जो होता है वो सबसे मेधा भी निकलता है क्योंकि परिवार में वस्तु तो छोटा सबसे पिटता है तो इसलिए छोटे बच्चे को एक तरह का उन्होंने ले दे दिया है इन कहानियों में इसी तरह से मामाओं से संबंधित कहानियाँ बड़ी मधुर होती हैं क्योंकि मायके की याद हर औरत को होती है मायके से जुड़ी कहानियाँ बहुत अच्छी होती, होती है सासें दुष्ट होती हैं सासें अत्याचार करती हैं जो चीज़ें औरतें ए, एक दूसरे से या अपने से भी नहीं कह सकती हैं उनको कहानियों में ढाल करके जानवरों की मार्फत या अर्ध अर्ध कथानक की मार्फत बातें बहुत सारी हो सकती हैं काम इतना ज़्यादा है जैसे मैं आपसे पूछूं अभी कि आपने कितनी किताबें लिखी हैं तो मुझे लगता है आपको याद भी नहीं होगा नहीं मुझे याद नहीं सच <laughs> और मैं जब इस की तैयारी काफ़ी समय से करी रहा था तो मैंने अपने टेबल पर गिना कितनी किताबें हैं तो संभवतः बीस के आसपास तो रखी हुई थी मेरे पास जिसमें से कुछ यहाँ पर आगे पीछे रखी हुई है कुछ मैं घर पर छोड़ के आया हुआ जी, जी तो सब आप दो घंटे में समेट भी नहीं सकते किसी के व्यक्तित्व वैसे भी नहीं समेट सकते इसमें सबसे मार्मिक मुझे एक प्रसंग लगा था जो कि मैं आपसे नहीं सुन पाया मैं चाहूँगा कि जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़े इनका आत्मकथात्मक एक अंश है आ, पिता ने जब वो साड़ी के लिए आपको कहा था कि साड़ी, ये साड़ी मुझे पहन के दिखा दो और आपके पिता गए आप उनको शायद देख भी नहीं पाए वो पूरा अंश बहुत मार्मिक है वो ये, ये, आ, तो वो पढ़ना चाहिए जितने हमारे देखने वाले हैं एक तो ये बच्चों को न सुनाने लायक कथाएं भी पढ़नी चाहिए और वो भी पढ़ना चाहिए ऐसा कोई काम जो आप करना चाहती थी नहीं कर पाई और करना चाहती हैं मैं पेंट करना चाहती हूँ मैंने जब हम लोग अमेरिका में थे तो विधिवत शिक्षा ली थी ड्राइंग डिज़ाइन की और आर्ट और आर्किटेक्चर की हिस्ट्री की और मैंने आर्ट और आर्किटेक्चर हिस्ट्री पढ़ाई भी भोपाल में आ, अब मेरा मन कई बार करता है कि मैं पेंट करूं और मैं वाटर कलर में करना चाहती हूं क्योंकि वाटर कलर हैंडल करना कठिन है लेकिन मुझे बहुत उसका जो तरलता है वो बहुत आकर्षित करती है तो अब देखिए अगर कुछ मन बना तो फिर वाटर कलर थोड़ा पेंट करूंगी चलिए आप पेंट करें और जिस तरह से आपका स्वभाव है वो बना ही बना ही रहे अब तो क्या ही बदलेगा <laughs> अगर लोग सोचते हैं इगोइस्टिक हैं तो हैं सोचते रहे है ना तो आप ऐसे ही लिखती रहें और कुछ और नाटक आए कहानियाँ आए कुछ ऐसी जो किसी को न सुनाने लायक हों लेकिन उन्हें सब सुने और सब पढ़ें और आप जैसी हैं वैसी बनी रहे बहुत बहुत शुक्रिया संगत के लिए आपने, आपने बहुत शुक्रिया आपने बहुत धीरज से और बहुत अच्छी तरह से मुझसे मेरी बड़बड़ाहट सुनी मुझे तो लगा कि गुस्सा ना हो जाए चली ना जाए अंतिम बात <laughs> मैं अपने एक गुरु की दोहराती रात हूँ उनसे उनके गुरु ने कहा था कि बूढ़े ब्राह्मण की बड़बड़ाहट और बूढ़े गायक का गाना हमेशा सुनते रहना चाहिए क्योंकि कभी कभी कोई मोती हाथ लग जाता है नहीं यहाँ बहुत सारे मोती हाथ लगे हमको बहुत बहुत शुक्रिया समय दिया आपने